thank you so good afternoon to all the students who are sitting here and also who are who have joined online with this system today we will discuss we will be discussing on two aspects related to this is your new topic in your uh, uh, this course what is this type, uh, this uh, topic we are discussing today Fundamentals of horticulture, triple one. Okay, this is the course. And the course has different aspects. So, today we will take up two contents. Number one is nursery, and number two, irrigation. Very good. So, uh, these two aspects are very important to horticulture. And uh, एक थोड़ा सा मुझे पहले बताएंगे डॉक्टर साहब आप कितने कॉलेजेस जुड़े हैं लगभग सो फर्स्ट आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अपोलाइज फॉर डिले बिकॉज द प्रोग्राम वाज गोइंग ऑन एंड देर वाज सम इनग्रेशन ऑफ द इफको सेंटर इन जॉबनेर सो आल दो डॉक्टर सुरेश फिक्स द टाइमिंग एट टू फिफ्टीन सॉरी

कितनी क्लास हुई है इस सब्जेक्ट की बेटा हॉर्टिकल्चर की बेटा एक बता दो कोई एक ट्वेंटी फिफ्टीन टेन फाइव कितनी क्लासेस हुई है लगभग ट्वेंटी के लगभग वेरी गुड सो हैज दी एस्पेक्ट ऑलरेडी नर्सरी एंड इरिगेशन ओके इवन दे हैव कवर्ड Even I will discuss with you and uh, also the irrigation, if they have not covered or covered, whatever. So, when we are talking about horticulture, the topmost challenge in horticulture is availability of disease free, virus free, healthy planting material in India. This is the biggest challenge we are facing in the country. Either it is the fruit crops, the ornamentals, medicinal plants, spices, or seed spices, whatever's are there. So, this is the biggest challenge. So, if somebody asks you what is the biggest challenge in horticulture in India, what you will tell? Availability of फ्री वायरस फ्री, हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल इज द बिगेस्ट चैलेंज हाउ टू स्ट्रेंथन दिस एरिया द चैलेंज इज हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल, ज्यादा नहीं मिल पाता उसकी कमी है अक्रॉस कंट्री कमी है कहीं हो सकता है मजबूत हो कहीं कमजोर है डिफरेंट रीज़न्स में तो उसको कैसे मजबूत करना है यह है बात so then that means presently whatever technology we have adopted, the traditional system mainly, for example, vegetables, vegetables, nursery, we are raising in the open, in soil. maximum we are what we are doing, raised bed we are making. maybe we are going with line showing. But, uh, जैसे ही हम सब्जियों की पौध को बाहर जो परंपरागत तरीका है उसमें ग्रो करते हैं बाहर तो क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो डिस्कस करेंगे ओके okay. ये दो की प्रॉब्लम है ओपन फील्ड में जो ज्यादातर फेस करते हैं वेजिटेबल ग्रोवर्स या दूसरे हैं कोई भी हो ओपन फील्ड में ये मेजर कहने दो नंबर वन बायोटिक स्ट्रेसिस है बायोटिक स्ट्रेसिस में आपका वायरस है सबसे इंपॉर्टेंट वायरस है ये नहीं कि भाई उधर भी आ सकते ना इसमें ये वर्क करेगा ना ओके आई विल कम दिस साइड इधर से ज्यादा अच्छा दिखेगा सो so, सबसे बड़ा जो है वायरस वायरसेज है चाहे वेजिटेबल्स की बात हो चाहे वो टमाटर की बात हो चाहे मिर्च की बात हो चाहे शिमला मिर्च की बात हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओपन फील्ड में वायरसेस है फिर दूसरे इंसेक्ट पेस्ट है कौन से इंसेक्ट पेस्ट है एक तो जो वायरस को कैरी करते हैं वेक्टर्स हैं उनके लिए चाहे वाइट फ्लाई हो चाहे एफिड्स हो चाहे थ्रिप्स हो ऐसे ही इनके अलावा जब हम बाहर इन ओपन फील्ड व्हेन वी आर ग्रोइंग द नर्सरी इन रेज्ड बेड्स और वट एवर सिस्टम लिटिल बिट यू हैव इंप्रूव्ड बट अंडर ओपन फील्ड व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉइल सॉइल इज हैविंग सॉइल बॉर्न फंगस पीथियम है वहां फाइटोफ्थोरा है राइजेक्टोनिया है नेमेटोड्स वहां पे अवेलेबल है और इंटेंसिटी ऑफ सॉयल बॉर्ड फंगस इज वेरी हाई ड्यूरिंग रेनी एंड पोस्ट रेनी सीजन ठीक है उस सीजन में सबसे ज्यादा हमारे जो है सोयल बॉर्न फंगस ज्यादा एक्टिव होता है पीथियम हो सील्डिंग स्टेज पे पीथियम ही ज्यादा करता है दो फॉर्म में करता है प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस प्री इमरजेंस का मतलब है किसान ने सीड को बो दिया टमाटर के को मिर्ची को शिमला मिर्च को गोभी को फूल गोभी को पत्ता गोभी को बो दिया बीज अंदर वो सॉइल के नीचे सीड जैसे ही सीड जर्मिनेट हुआ क्या हुआ ये है सबको अपना ओके okay. साइड तो जैसे स्पोज मैं बता रहा हूं आपको ये किसान ने सीड बो दिए नीचे जमीन के अंदर है लाइन शोइंग कर दी जैसे ही सीड का जर्मिनेशन हुआ पिलुमूल बाहर आया निकल के बाहर निकल के आया सोयल बोर्न फंगस पीथियम इतना एक्टिव था हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर चाहिए उसको उसने उसी को वही से डैमेज किया जैसे ही बाहर निकला और सीड अंदर ही सड़ गया सॉयल के अंदर ही दिस स्टेज इज कॉल्ड प्री इमरजेंस स्टेज ओके अब किसान को नहीं पता किसान तो महंगा बीज लाया था किसी कंपनी से लाख रुपए किलो डेढ़ लाख रुपए किलो पचास हजार रुपए किलो बट किसान को नहीं मालूम है भाई ये क्यों हो गया क्या कारण हुआ वो किसान जाएगा कंपनी वाले को कहेगा कि मेरा तो बीज सारा मर गया वो तो उगया ही नहीं बट उसको नहीं पता कि उसकी सॉयल में जहां वो नर्सरी रेज कर रहा है वट इज दिचुएशन ऑफ द फंगस फंगस इतना एक्टिव है तो उसने प्री इमरजेंस स्टेज पे उसको डैमेज किया दिस इज कॉल्ड प्री इमरजेंस ठीक है प्री स्टेज ऑफ 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 डैम्पिंग डैम्पिंग की दो स्टेज है ठीक है ना ये डैम्पिंग ऑफ है दो स्टेज में दूसरी स्टेज है अगर जब सीड बाहर निकलाया जमीन से ऊपर आ गया ठीक है ये प्लूमूल बाहर आ गया निकल के अब वो मान लिया किसान ने क्या किया था या कंपनी ने किया था पैकेट के अंदर सीड जो है वो ट्रीटेड था फंजी साइड से या किसान ने कर दिया बता दिया किसी ने भाई आपको इसको कैप्टाम से थीडाम से या कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं उससे ट्रीट करना है आपको तो आपको छुटकारा मिलेगा इस चीज से तो उसने ट्रीट कर दिया इस फंगस का थोड़ा सा ज्यादा साउंड वो कर रहा है हल्का नो ओके, okay. so, जैसे ही सीड ट्रीटमेंट हुआ तो अब वो फंजी साइड से फंगस दूर रहेगा थोड़ा सा तो वो क्या हुआ उसने सीड के पास ना रहकर वो अपर सरफेस पर आ गया ग्राउंड की पर, यहां एक्टिव हो गया तो पहली स्टेज पे वो डैमेज नहीं कर पाया और अब वो जमीन के ऊपर सतह के ऊपर बिल्कुल आ गया उसने अब इस बार यहां से डैमेज किया ठीक है तो ये स्टेज है पोस्ट इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस स्टेज तो दो स्टेज में फंगस डैमेज करता है प्री और पोस्ट में पोस्ट में आपको दिख जाएगा गांव की भाषा में कहते हैं पौध निकल गई मर गई ऐसे करके लेकिन वो यहां से करता है डैमेज ये गिर जाएगा पूरा का पूरा और सड़ जाएगा ये जो फंगस है ये सबसे ज्यादा तंग करता है आपका ओपन फील्ड में पर्टिकुलरली रेनी सीजन एंड पोस्ट रेनी सीजन में बहुत एक्टिव रहता है मेनली पीथियम है दूसरा फंगस भी अवेलेबल हो सकता है नेमेटोड्स हैं बैक्टीरिया भी अवेलेबल हो सकते हैं बॉर्न भी है सॉयल बॉर्न भी है पर मोस्टली सीडलिंग स्टेज पे सॉयल बॉर्न फंगस ही डैमेज करता है ओके ये चीज है तो एक तो ये सारे बायोटिक्स टेसिस हो गई ठीक है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरा वायरस है वायरस के लिए कौन है वेक्टर्स हैं कीड़े हैं वाइट फ्लाई है अब आप कहो कि जैसे बरसात हुई समर खत्म हुआ बरसात हुई ऑन सेट ऑफ द मानसून जमीन मॉइस्ट हुई जमीन को पानी मिला वीड के सीड पड़े हैं जमीन के अंदर बहुत सारे वीड्स पड़े ना वो उगेंगे उगेंगे तो वो उनको कितना दिन लगेगा बड़े होने में महीना डेढ़ महीना तक वो बढ़ेंगे बटवार करेंगे और जैसे ही वो बटवार करेंगे इस हाइट में आ जाएंगे, हो जाएंगे. कुछ इंसेक्ट वाइट अवेलेबल हियर देयर इन द रिमेनिंग हमारे ही देखिए कोई भी चीज हो वो मौजूद है ये मत सोचना जो 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था जो अभी कोविड आया उन्नीसो तो अठारह में करोड़ लोग मारे गए थे तो वो स्पेनिश फ्लू पृथ्वी से खत्म हो गया वो कहीं अभी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कंट्रीज में में जंगलों में अफ्रीकन जंगलों अवेलेबल हो सकता है वायरस और हर एक जो है फंगस वो मौजूद रहता है जो जीरे का अल्टरनेरिया ब्लाइट हो जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी वो अपने आप को फास्ट मल्टीप्लाई करेगा और वो वही डैमेज करेगा फिर जैसे ही मान लिया बरसात सर्दी में बादल छा गए या वहां धुंध पड़ गई तो उसका सीधा जीरे के साथ वो है वही वो इंसिडेंस एकदम से सीवियर इंसिडेंस होगा बट इट इज अवेलेबल कहीं ना कहीं किसी घास के तिनके पे किसी वीड के ऊपर कहीं ना कहीं वो सरवाइव कर रहा है कहीं भी सर्वाइव करता हो कंडीशंस फेवरेबल मिलते ही वो मल्टीप्लाई करता है फास्ट मल्टीप्लीकेशन होता है पे सेम थी जो इंसेक्ट्स है व्हाइट फ्लाई मेजर वेक्टर है सोलनेशियस वेजिटेबल्स में और बाकी एफिड जो है वो बेल वाली सब्जियों में कुकर बिट्स में सबसे बड़ा वेक्टर है वायरस का कैरियर है वेक्टर क्या होता है कैरियर, ट्रांसमिट करने वाला ठीक है यहाँ पे हमारे केस में प्लांट्स के केस में एयर बॉर्न नहीं है यहां पर सीड बॉर्न हो सकते हैं या इंसेक्ट बॉर्न है ज्यादातर इंसेक्ट कैरी करते हैं और उनकी नेचर अलग हो सकती है परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट ठीक है ना वो नेचर हो सकती है कि जैसे व्हाइट फ्लाई ने एक बार स्पोज कहीं वायरस मौजूद है किसी वीड के ऊपर व्हाइट फ्लाई ने वहां जाके बाइट किया डंक मारा तो वो वायरस जिस भी वीड पर मौजूद था व्हाइट फ्लाई के सिस्टम में आ गया उसके स्टमक में चला गया अब वो व्हाइट फ्लाई जितनी भी जगह बाइट करेगी क्रॉप के ऊपर टमाटर के ऊपर मिर्ची के ऊपर शिमला मिर्च के ऊपर वो उतनी बार उसको फैलाने का काम करेगी उसको दोबारा होस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है जहां वो वायरस मौजूद था लेकिन दूसरे जो इंफेक्शन जैसे है, उसका नॉन परसिस्टेंट है एक बार, बार बाइट करेगा तो उसके माउथ में ही रहेगा वायरस उसको फिर दोबारा फैलाने के लिए दोबारा उस वीड के पास जाना पड़ेगा जहां वायरस मौजूद है ठीक है

जून जून में तो बरसात होती नहीं जुलाई में होती बरसात है अगस्त है। सितंबर, अक्टूबर नवंबर और इसको और आगे ले ले दिसंबर तो यहां बरसात हुई यहां से वीड सूखने शुरू हुए वो बड़े हुए तो मिड अगस्त टू मिड सितंबर इज द पीक पीरियड ये है व्हाइट फ्लाई की जब मैक्सिमम पॉपुलेशन ओपन फील्ड में मौजूद होती है अवेलेबल होती है आप कोई काम कर सकते हो मैडम करने प्लीज वही नहीं, नहीं तो ये है? इन बच्चों की हाँ आप आप प्लीज गो एड हाँ हाँ तो ये नॉर्मली जैसे अगर मान ले अक्टूबर में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा जैसे इस बार हुआ भी ठंड पड़ी नहीं तो इवन व्हाइट फ्लाई कैन सस्टेन इवन इन मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर चांसेस हैं पूरे अभी ठंड पड़ी कहाँ तो कई बार अनसीजनल रेन्स होती है मार्च में अप्रैल में तो भी व्हाइट फ्लाई डेवलप हो सकती है ये जरूरी नहीं सिर्फ बरसात के मौसम में हो वाइट फ्लाई ओहो तो हो सकता है तो ये पीरियड है इसका पीक का इसलिए ओपन फील्ड इज नॉट सेफ सिस्टम इज नॉट से आपकी पौध स्वस्थ नहीं है डिजीज फ्री नहीं है, हेल्दी नहीं है अगर आपने पौध तैयार की बाहर टमाटर की बैंगन की मिर्च की शिमला मिर्च की तो उसमें निश्चित है कि वायरस का इंसिडेंस नर्सरी स्टेज पर हो जाएगा और एक बार सीडलिंग स्टेज पर अगर इंसिडेंस हो गया तो नेचुरल बात हो मेन फील्ड में जाएगा जब ट्रांसप्लांटिंग करोगे आपकी क्रॉप सस्टेन नहीं करेगी ठीक है ना इसलिए ये कंडीशंस ज़्यादा ठीक नहीं है एबायोटिक स्ट्रेसिस में टेम्परेचर है टेम्परेचर बूस्ट करता है सॉइल बॉन्ड फंगस को कंडीशन फेवरेबल बनाता है अनफेवरेबल भी बना सकता है दोनों चीजें करता है इंसेक्ट्स को ह्यूमिडिटी अस्सी परसेंट से ज्यादा चाहिए नब्बे टेम्परेचर चालीस डिग्री हो तो बहुत अच्छी बात है उनके फास्ट के लिए लाइट भी इफेक्ट करती है फिर आपका ये दूसरी चीजें भी जो एबिक स्ट्रेस में आती है ये भी तंग करती है तो मेनली ये दो फैक्टर्स हैं लार्ज जो आपके ओपन फील्ड में ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारे प्लांटिंग मटेरियल को चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे फ्रूट्स हो चाहे हल्दी हो स्पाइसेस में आती है चाहे अदरक हो, हो चाहे काली मिर्च हो वो प्रभावित करते हैं अफेक्ट करते हैं ठीक है ना इससे बचाने के लिए इस सारी चीजों से भाई मेजर दो फैक्टर हैं ये बड़ी परेशानी है ओपन फील्ड में इससे बचाने के लिए हमने सिस्टम को बदल दिया ट्रेडिशनल सिस्टम से हम अब नए सिस्टम पे शिफ्ट हो गए और नया सिस्टम डिस्कस करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे कि नया सिस्टम क्या है? ये हाईटेक नर्सरी की डेफिनेशन है कि सोइलनेस मीडिया हमने सॉइल को हटा दिया सॉइल को हटा दिया तो उसको कंटेन कौन करेगा प्लग ट्रेज चाहिए ठीक है ना मीडिया को डालने के लिए प्लग ट्रेज चाहिए और मीडिया स्टेलाइज है उसमें कोई फंगस नहीं है कोई नेमेटोड्स नहीं है अब नहीं तो ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या हुआ नेमेटोड्स का इन्फेस्टेशन ज्यादा है एक बार जड़ों में टमाटर की में नेमेटोड आ गया उसको ट्रांसप्लांट करोगे तो खेत में मल्टीप्लाई हो रहा नर्सरी से जा रहा सीधा का सीधा ये चैलेंज है मेजर तो उसी के लिए हमने ये आपका अब क्या क्या जरूरत है खास करके वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट विद वेजिटेबल नर्सरी मॉडर्न नर्सरी वेजिटेबल्स में क्या है कि हम एक तो बाहर नहीं करेंगे चाहे बरसात हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो अंदर करेंगे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में नंबर दो मल्टी सेल प्लग ट्रे चाहिए हमें जिसमें मीडिया भरेंगे जहां सीड बोए जाएंगे ठीक है ना फिर तीसरी चीज है सोइललेस मीडिया चाहिए सोइललेस मीडिया क्या हुआ वर्मी कंपोस्ट को यूज करें क्या या कोकोपीट यूज करें या और कुछ करें एफ वाई एम यूज करें वट इज रिक्वायर्ड तो स्टैंडर्डाइज मीडिया क्या है वो है कोकोपीट वर्मिकुलाइट पर करने को तो हम वर्मी कंपोस्ट को भी यूज कर सकते हैं एफ को भी यूज कर सकते हैं बट वो स्टेलाइज कैसे होगा बात ये है उसको स्टेलाइज करना जरूरी है या तो अगर आप चाहते हैं तो करना फिर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी स्टैंडर्डाइज मीडिया की है देन आपका सर्दी है बहुत लो टेम्परेचर चल रहा है फतेहपुर है आसलपुर है माइनस पांच चला जाएगा टेम्परेचर तो सीड जर्मिनेट नहीं होंगे सीड्स को ज्यादातर बाई एन लार्ज जर्मिनेशन के लिए कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री ऑन एन एवरेज तीस भी चाहिए बेल वाली सब्जियां हैं जो टेम्परेट वेजिटेबल्स हैं वो पंद्रह में भी उग सकती हैं ठीक है, है ना वो वेरी करता है वेजिटेबल टू वेजिटेबल बट ब्रॉडली जो है बीस से पच्चीस डिग्री टेम्परेचर चाहिए

कैसे प्रोसेस करते हैं उसको देन अगर ऐसी नर्सरी पर हम शिफ्ट होंगे तो हमें फिर मान लिया यहाँ से सपोज एक नर्सरी जयपुर में है और एक किसान बांसवाड़ा में नर्सरी ले जाना चाह रहा है वेजिटेबल्स की उसने ऑर्डर दिया तो उसको पैक करने के लिए मेटेरियल चाहिए कैसे पैक करके ले जाएंगे प्लग ट्रेस तो जाएंगे नहीं वहां इतनी दूर कैसे जाएंगे बहुत खर्चा हो जाएगा तो कैन वी पैक इन कार्टून बॉक्सेस कैसे पैक करें तो वो पूरा सिस्टम चाहिए फिर ऐसे सिस्टम के लिए जब ऐसा सिस्टम बनाएंगे वी नीड मार्केट मार्केट चाहिए हमें वहां सब्जी पैदा करने वाले किसान भी होने चाहिए जब ही तो आपके पास आएंगे जब वो सब्जी पैदा करेंगे तो इस तरीके से हमें पता है कि भाई क्या हम कर सकते हैं ठीक है ना तो ये सारी चीजें जरूरत है मार्केट भी चाहिए मार्केट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा किसानों को बताना पड़ेगा अगर भैया देखिए आपकी पौध हम उगाएंगे वायरस फ्री हेल्दी सीडलिंग हम ग्रो कर सकते हैं लेकिन वो प्री ऑर्डर बेसिस पे ही हो सकता है ये है सिस्टम सारा का सारा आपका इस पे भी हो जाएगा इस तरफ इस तरफ ओके ये सी अब ग्रीन हाउस में देखिए आप ये पैड है कूलिंग पैड पीछे और ये खाद देने का फर्टिगेशन सिस्टम है ठीक है क्या ये क्या पीछे पैड है कूलिंग पैड है एग्जॉस्ट भी लगे हैं कूलिंग पैड उधर लगे वो वेट होते हैं एग्जॉस्ट हवा को खींचते हैं दूसरी तरफ तो ठंडी हवा गुजरती है उसमें से तो पीक समर में टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री कम हो जाएगा तो एटलीस्ट नर्सरी के लिए हम वी कैन गो विद सेमी क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस इसको बोलते हैं सेमी क्लाइमेट कंट्रोल हमने एक डिवाइस दी है यहां कौन सी डिवाइस दी है कूलिंग सिस्टम पैड एंड फैन ठीक है वो सिस्टम प्रोवाइड किया है दूसरा आपका ये बूम सिस्टम फर्टिगेशन के लिए इसमें इसमें नोजल्स लगे हैं और पानी के साथ फर्टिलाइजर भी घुल आ रहा है अकेला पानी देना तो अकेला पानी दे सकते हैं अगर आपको फर्टिगेशन करना है तो वाटर सोलूबल फर्टिलाइजर घुले हुए हैं स्टॉक सोल्यूशन वाले टैंक में उसको आपको रन करना है वो फाइन स्प्रे होगा यूनिफॉर्म स्प्रे होगा हर एक प्लग ट्रे में हर एक सेल के अंदर बराबर मात्रा में पानी और खाद जाएगा आपका पूरा का पूरा ठीक है तो उसकी यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी सीडलिंग की एक छोटी बड़ी ऐसे नहीं होगा तो बड़ा यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो दो सिस्टम इसमें लगे हैं मेन सेमी क्लाइमेट कंट्रोल इसलिए कूलिंग पैड लगे हैं फिर अगर लो टेम्परेचर है तो जर्मिनेशन रूम को जरूरी नहीं भाई अलग से जर्मिनेशन रूम बनाए लेकिन वो वहां पे बैक में वो क्या आ रहा है उसके बीच में वो जो है वो बच्चों को बाहर वालों को दिख रहा है अच्छा ओके वो सामने कुछ दिख रहा है तो ऐसे में सेपरेट जर्मिनेशन रूम बनाने में ज्यादा खर्चा होगा व्हाट वी कैन डू अब जैसे ये ग्रीन हाउस है नर्सरी का इसी के एक कोने में दो चार मीटर का चार पांच मीटर का प्लास्टिक ढकया अपना अलग से घर बना दिया और उसमें जो हीटर घर में चलाते हैं ना एयर ब्लोअर सर्दी में वो यूज कर दिया आप उसमें बीस से ऊपर डिग्री टेम्परेचर ले आओ और एक दूसरे के ऊपर को रख दो ऐसे ठीक है ना ऐसे रख दो आपको की नहीं हो गया अगर आपने डिले कर दिया तो सीडलिंग से बिल्कुल वीक हो जाएंगी एकदम से खराब हो जाएंगी सीडलिंग हमें सिर्फ जर्मिनेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करना है एक दूसरे के ऊपर रख के जस्ट ये बात बाकी हटा देना फिर फैला देंगे ये जो बेंचेज बने हुए हैं या नीचे ईंटों का खड़ंजा है ब्रिक फ्लोर बोलते हैं उसको तो उस पर फैला सकते हैं फिर बाद में एक बार जर्मिनेशन को इनिशिएट करना बस जस्ट ठीक है अब कोई जरूरी नहीं ये इतना हाई कॉस्ट हो हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहते हैं किसान गरीब है छोटे हैं तो वो क्या कर सकते हैं जैसे घर में मच्छरदानी लगाते हैं क्यों लगाते हैं मच्छर नहीं काटे मच्छर काटेगा तो क्या होगा मलेरिया होगा डेंगू होगा ये क्या है वायरल फीवर है ये भी तो वायरस ही है तो वेक्टर कौन है मच्छर है वेक्टर मॉस्किटोज एंड एंड दे कैरी डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया तो उससे बचने के लिए मच्छरदानी लगाते हैं लेकिन मच्छरदानी में छेद कैसे बने हैं मच्छर के साइज को देख के बनाए गए हैं ठीक है, है? यहां पर छेद कैसे बनाएंगे व्हाइट फ्लाई को थ्रिप्स को एफिड्स को देख के तो यहां पर जो मैच साइज है वो मच्छरदानी में हो सकता 10 हो, हो, हो। है मैच साइज दस हो बारह हो पंद्रह हो यहां पर फोर्टी मैच चाहिए हमें एक स्क्वायर इंच में चालीस छेद फोर्टी ताकि वाइट फ्लाई बड़े वाली एडल्ट या उसके बेबीज दे शुड नॉट एंटर वो नहीं एंटर कर पाए अंदर थ्रू नेट लेकिन ये डबल डोर लगा दिया आपने एक दरवाजा अंदर है एक दरवाजा बाहर है सिस्टम ट्रेडिशनल है नीचे जमीन में ही बना रहे हैं आप आपने सॉल को ट्रीट कर दिया कर दिया आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन कम कॉस्ट में आप चाहते हैं किसान भाई मैं अपने लेवल पे घर के स्तर पर ही मैं हाईटेक मोड में नहीं जा सकता इतना मेरा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो उसने ये क्या किया नेट लेके जी आई पाइप का उसको मोड़ लिया ऐसे और वो सरिया के टुकड़ों से खड़े हैं वो खड़े कर दिए और नेट ढक दिया सील के दो दरवाजे लगा दिए वो भी जी पाइप से बने हैं जी क्या होता है Galvanized, जिस पर ंग नहीं होती जंग नहीं लगता जीआई ठीक है हाँ तो वो वो उससे कर दिया अब अंदर बेड है बस उसको एरियल तो हो गया अब ये दो दरवाजे लगने के बाद व्हाइट फ्लाई एफिड सिर्फ अंदर नहीं जाएंगी तो उसका नर्सरी वायरस से बच जाएगी लेकिन उसका झगड़ा किसका रह गया सॉइल का सॉइल को स्टेलाइज कर सकता है चाहे फॉर्मुल से करे स्टेलाइज या किसी और केमिकल से करें या सोलराइजेशन भी कर सकता है अप्रैल में जून में एक महीना उसको बेड्स को ढक के रखना है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से थोड़ा वेट होनी चाहिए सॉइल हो जाएगा तीन वीक में चार वीक में सोलराइजेशन से काफी हद तक सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि लो कॉस्ट हमें रखना है किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो चाहता है कि मैं अपनी सुरक्षित पौध बना लू तो ऊपर का तो एरियल प्रॉब्लम तो खत्म कर दी लेकिन अब सॉइल की थी थी तो वो कर सकता है सोलराइजेशन कर सकता है सीड को ट्रीट कर सकता है बेड बना के लाइन सोइन कर सकता है एक एक सीड की ओके अब यही नेट इसमें और क्या कर सकते हैं ये आपकी पौध बन गई अब मान लिया गलती से गलती से कोई वाइट फ्लाई एंटर हो गई दरवाजे खुलने बंद होने में वैसे तो इसका प्रिंसिपल ये है जब पहला दरवाजा आप खुले दूसरा दरवाजा नहीं खोलने जब तक पहला बंद ना हो जाए आपके साथ बॉडी के साथ कोई इंसेक्ट अंदर जा रहा है तो वो वहां स्टिक कर जाए रुक जाए ठीक है ये नियम है इसका बट चला भी गया तो हमने येलो कलर का ऊपर क्या लगाया वो स्टिकी ट्रैप ठीक है तो फ्लाई अट्रैक्टेड टू येलो कलर एफिड अट्रैक्टेड टू सिल्वर कलर सिल्वर और थ्रिप्स अट्रैक्टेड टू ब्लू कलर तो तीनों का इंजाम है अगर आपको लगता है थ्रिप्स भी बहुत ज्यादा है तो ब्लू कलर यूज कर सकते हो और आपको लगता है कि एफिड की प्रेजेंस है तो यू कैन यूज स्टिकी ट्रैप आपका सिल्वर कलर का लेकिन मेन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका येलो कलर का स्टिकी ट्रैप अंदर लगाना और ये नहीं आपने एक बार लटका दिया और दो एक साल दो साल छ महीने भूल गए उसको वो पूरा भर गया व्हाइट फ्लाई से और अब कोई उस पर जगह बची नहीं आप खुश हो रहे होने तो स्टिकी ट्रैप लगा रखा उसको चेंज करना भी जरूरी होता है उस ट्रैप को चेंज कर दे ताकि नई व्हाइट फ्लाई को अंदर जाए तो उसको स्टिकी ट्रैप आजकल पीसीआई सबके पास अवेलेबल है और कुछ नहीं हो तो किसी पत्ती को लिया तख्ती को ले लिया उस पर पे येलो पेंट कर दिया और उस पर ट्रांसपेरेंट ग्रीस लगा दिया उसको टांग दो ऊपर व्हाइट फ्लाई जाएगी टक्कर मारेगी ट्रांसपेरेंट ग्रीस में धस जाएगी जाके तो सिंपल भी कर सकते हैं एज पर योर चॉइस है है वो सारा का सारा का सिस्टम ठीक ना अब फिर गर्मी आई बहुत ज्यादा रेडिएशन है जोधपुर में फलौदी में जबरदस्त धूप है तेज टेम्परेचर पचास डिग्री गया हुआ है उसको कम करना है लो कॉस्ट में ही छाया तो कितनी कर सकते हैं क्रॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आख मींच का छाया नहीं कर सकते तो वेजिटेबल्स की नर्सरी में तीस परसेंट से ज्यादा छाया नहीं कर सकते टमाटर बैंगन मिर्च शिमला मिर्च फूल गोभी पत्ता गोभी लीफी वेजिटेबल्स में छाया हम जो कर सकते हैं सेडिंग वो ज्यादा कर सकते हैं पचास से साठ सत्तर परसेंट तक जा सकते हैं लेकिन ये जूस दूसरी वेजिटेबल्स हैं मेनली सोलनेसी वाली इनमें बहुत ज्यादा छाया नहीं कर सकते तो यहां शेडिंग नेट से और काला कलर क्यों लिया काला गर्मी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वाइट रिफ्लेक्ट करता है ब्लैक एब्जॉर्ब करता है तो यह इसको रोक ले नेट से अंदर ना जाने दे तो टेम्परेचर भी कम हो गया और जो रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा था वो भी कम हो गया ठीक है ये सोल्यूशन हो गया अब सोल्यूशन पाला पड़ गया माइनस पांच डिग्री जा रहा है टेम्परेचर आसलपुर में या फतेहपुर में ठीक है या झुंझुनू में या बीकानेर में जीरो डिग्री तो इसको रात को ढक दो आप रात के टाइम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से आप ढक दीजिए इसको दिन में इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक को अपनी उसके हिसाब क्योंकि अंदर ह्यूमिडिटी कुछ देर के लिए तो आपको हटाना पड़ेगा ताकि वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए पर आपको लो टेम्परेचर से आपने बचा दिया तो कैसी टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट छोटा किसान है गरीब किसान है नहीं कर सकता हाईटेक पर शिफ्ट नहीं हो सकता तो लो कॉस्ट हुआ इसके बाद अब बात आती है दूसरी ये आदिवासी लेडीज है झारखंड से इनको दे दिया अब भैया ये ट्रे अवेलेबल है गोल वाली वैसे हम गोल को सिफारिश नहीं करते अब हमने शेप और साइज भी पूरा डिफाइन कर दिया स्टैंडर्डाइज कर दिया शेप और साइज दोनों अफेक्ट करती है सीलिंग की ग्रोथ को रूट को और शूट को दोनों को प्रभावित करती है इस पर भी वर्क हुआ है अक्रॉस दर्ल्ड तो गोल वाली ज्यादा अच्छी नहीं है पर लोकली अवेलेबल और इसमें वर्मी कंपोस्ट भर रही है ठीक है पर मीडिया होना चाहिए वर्मी कंपोस्ट को भी खाद ज्यादा मोटी लेयर में नहीं तीन या चार सेंटीमीटर की उसमें आपने डाल दिया फैला दिया वेट होना चाहिए और एक महीने के लिए ऊपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक अप्रैल मई जून में हो गया काम आपका कटो में भर लो फिर यूज करो उसको हो गया वो जो अंदर था उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट वो खत्म हो गया चाहे फंगस हो चाहे बैक्टीरिया हो सब साफ हो जाएगा जाएडो क्योंकि अगर बाहर का टेम्परेचर पैंतालीस है तो पक्के फर्श पे आप पक्का फर्श नहीं है तो नीचे काला पॉलीथीन यूज कर सकते ब्लैक और ऊपर ट्रांसपेरेंट बीच में वो बिछा के आप वो फैलाओगे अपना ऐसी स्थिति में ट्रांसपेरेंट आप डकोगे तो कम से कम 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा चला जाएगा 45 होने के बाद 60 बासठ डिग्री तक पैंसठ तक चला जाएगा और ये सारा फंगस जितना है चाहे चाहे वो वो लोअर फंगस फंगस हो फंगस हो हायर ग्रुप का 60 डिग्री के बाद बचता नहीं बिल्कुल साफ हो जाता है तो नेमेटोड्स भी कंट्रोल हो जाएंगे पर यह लो कॉस्ट है ये बीच का है अब अब इसमें हम आगे नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है सौ स्क्वायर मीटर का है गाँव में लोग बना सकते हैं इसको ईटों का खड़ंजा बिछा है और ईंटों के खड़ंजे पे जो है वो प्लग ट्रेज में सीड शोइंग करके रख दिया आपने आराम से नर्सरी रखी आपकी किसानों को कह दिया अग भैया बीस किसान दस किसान पच्चीस किसान मिल के पौध पौधे बनाए इसमें लेकिन क्या क्या ध्यान रखें येलो स्टिकी कार्ड यूज करना है दरवाजे खुल बंद बंद होने खुल होने चारों तरफ सफाई अंदर को वीड नहीं होना चाहिए क्योंकि चारों तरफ भी वीड, वीड वेयर कहीं से नेट फट गया कहीं से प्लास्टिक फट गया थोड़ा सा भी और वाइट फ्लाई को रेफिड को और फ्रिप्स को एंट्री मिल गई तो अंदर तो बहुत जब जबरदस्त उनको तो माहौल मिल गया फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिल गई ना और उनके लिए खाना अंदर है पौधे उनके लिए बढ़िया तो उनको नहीं उनको रोकना तो इसलिए कहीं भी कोई रिपेयर करनी है क्लीनैस है अंदर हो बाहर हो चारों तरफ एक मीटर कम से कम मिनिमम तो वो आप लोगों को करना है वो जो है ना पर ये बीच का हो गया ये बिल्कुल लो कॉस्ट से बीच वाला हो गया फिर बात आती है हाई कॉस्ट पर अब यह आ गया आपका मॉडर्न सिस्टम नर्सरी आ गई अब अब इसमें खर्चा होगा ये एग्री बिजनेस मॉडल में जा सकता है कोई यूथ पढ़ा लिखा है बेरोजगार है बी एस सी कर ली एम कर ली तो नर्सरी शुरू कर सकता है स्क्वायर मीटर की नर्सरी ऐसी शुरू की जिसमें पेडन फैन लगाया बूम सिस्टम लगाया फर्टिगेशन के लिए तो साल में हजार स्क्वायर मीटर से कितनी पौध बनाएगा छ बैचेज में मिनिमम तो छ बैच में बनाता है क्योंकि कितना लगता है नर्सरी में टाइम बताएंगे बच्चे टमाटर की पौध बनानी है कितना टाइम लगेगा 28 से 30 दिन शिमला मिर्च और मिर्च में ज्यादा लगता है उसमें 40 से 42 दिन लगेंगे बेल वाली सब्ज़ी में सर्दी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और गर्मी के महीनों में 25 दिन में तैयार हो जाती है ठीक है लेकिन देखना क्या हमें इंपोर्टेंट यह है कि ऊपर का शूट तो डेवलप हो गया रूट है नहीं दोनों तो का बैलेंस होना चाहिए रूट जितनी मजबूत होगी रूट और शूट में दोनों में बैलेंस होना चाहिए जब जब हो नहीं तो नहीं हो सकती, ठीक है ना तो एक तो वायरस फ्री होना भी जरूरी होता है जितना रूट और शूट बैलेंस डेवलप होंगी दोनों को दिनों रूट शूट तो डेवलप हो गई रूट तो निकली नहीं उसमें कुछ भी नहीं है तो वो चीजों का ध्यान रखना हमें बट यहाँ पे क्या है ये प्लग ट्रेज है हमारी प्लग ट्रेज में ये सारा वो सिस्टम लगा पूरा ये प्लग ट्रेज देखिए ये लौकी की पौध है आपकी ठीक है ये ये ट्रेज है अब इसको भी हमने दो उसमें डिवाइड कर दिया पहले तो गोल अवेलेबल होती थी गोल में अच्छी ग्रोथ नहीं होती ये कैसी है ऊपर से स्क्वायर लेकिन ऊपर से स्क्वायर दिख रही है पर अंदर से कैसी है अंदर से है इनवर्टेड पिरामिड है ठीक है ऐसी है अंदर ऊपर से ऊपर से आपको स्क्वायर दिख रही है पर अंदर से इन्वर्टेड पिरामिड है ये ऐसी है, अंदर से ठीक है ना? तो ये दो है ये ट्वेंटी क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस है यहां पर दस क्यूबिक सॉरी दस सेंटीमीटर आधा है ठीक है ना अब हमने सारे ट्रायल्स किए हेक्सागोनल राउंड इन्वर्टेड पिरामिड दस क्यूबिक सेंटीमीटर बीस क्यूबिक सेंटीमीटर और फिर ये किया डिफाइन भाई किसको कितना स्पेस चाहिए अब जैसे इस बेंच पे तीन या तीन बच्चियां बैठी हैं आठ बिठा सकते हैं क्या और दो के लिए बना दें दो ही बैठेंगी तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे ठीक है ना तो वही चीज यहां अप्लाई होती है ऑप्टिमम स्पेस कितना चाहिए उस उस प्लांट को सीडलिंग के डेवलपमेंट के लिए भाई हमारा मीडिया भी वेस्ट ना जाए स्पेस भी वेस्ट ना जाए प्लग ट्रेज भी वेस्ट ना जाए अगर मान लिया बड़ी ट्रे होंगी तो कम आएगी नर्सरी उसमें हजार स्क्वायर मीटर में और दस वाला तो ज्यादा आएंगे वो डबल हो गई यहाँ तो दो सौ चार सो हो गई एक प्लग ट्रे में ठीक है तो ऐसे में ऑप्टिमाइज कर दिया और दो ग्रुप्स ग्रुपाइड डिवाइड कर दिया हमने वेजिटेबल्स को एक ग्रुप हो गया टमाटर बैंगन और बेल वाली सब्जियां टमेटो ब्रिंजल एंड ऑल बिट्स सारे जिनको बीस अट्ठारह से बीस क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस चाहिए ऑप्टिमम उससे कम में गुजारा नहीं है म करोगे दस में बोोगे सीडलिंग वीक होगी रूट और शूट डेवलपमेंट बैलेंस नहीं होगा कमजोर पड़ेगी वो आपकी इल्ड को अफेक्ट करेगी फील्ड में जाके तो ऑप्टिमम जो है वो करना है आपको ऑप्टिम तो हो गया अठारह से बीस क्यूबिक सेंटीमीटर और सबसे अच्छी शेप कौन सी है ना राउंड है ना हेक्सागोनल है स्क्वायर और इन्वर्टेड पिरामिड सबसे अच्छी शेप है उसमें रूट्स का शूट का डेवलपमेंट सबसे अच्छा होता है वो कर दिया फिर दूसरा ग्रुप हो गया आप दस वाला आठ से दस क्यूबिक सेंटीमीटर उसमें आ गई आपकी चिली कैप्सिकम सारी कॉल कॉल, कैबेज, ये सब की सब या टीपीएस ट्रू पटेटो सीड से आपको सीडलिंग तैयार करनी है आप आलू नहीं बोना चाहते दो चीजें होती ना दो टर्म होती है एक पटेटो सीड और एक उल्टा सीड पटेटो तो सीड पटेटो क्या होता है ट्यूबर हम 25 क्विंटल ट्यूबर हर साल खेत में वापस डाल देते हैं और पूरे देश में अगर जितना आलू में हम बीज इस्तेमाल करते हैं ट्यूबर्स को उतना बिहार को आलू चाहिए साल में खाने के लिए इतना हम वापस डाल देते हैं पच्चीस क्विंटल बीस से पच्चीस क्विंटल वापस डालते हैं और यहाँ टीपीएस से क्या होगा ट्रू पटेटो सीड से सीड पटेटो और पटेटो सीड पटेटो सीड क्या हुआ टीपीएस ट्रू पटेटो सीड जो ट्रू सीड होता है जैसे मिर्च का टमाटर का बीज है ऐसे तो यहां आपका अस्सी ग्राम में काम चल जाएगा एक हेक्टर की पौध तैयार हो जाएगी इसी में प्लग ट्रेज में ठीक है।, है आपका खेत खाली नहीं है स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न उनकी पौध तैयार करना चाहते हो जाएगा आप चाहते हो चुकंदर खेत खाली नहीं चुकंदर को अगेता करें बुआई करनी है तो पहले किसी ने सोचा था चुकंदर की भी पौध तैयार हो जाएगी पहले तो ये नहीं सोचा था क्या लौकी की तुरई की खरबूजे की खीरे की पौध भी तैयार हो सकती हो सकता था क्या ट्रेडिशनल सिस्टम में क्यों नहीं होता क्या कारण है अब जैसे मान लिया आपने लौकी का बीज बो दिया या खरबूजे का बीज बो यार सीडलिंग बाहर निकला ही तैयार होगी आप उखाड़ोगे हो तो क्या होगा ऊपर का हिस्सा आपके हाथ में आ जाएगा वो वो इतनी डेलिकेट है वो पुल को बर्दाश्त नहीं कर सकती पुल कर रहे हैं ना हम खींच रहे हैं तो तो ऊपर का तना टूट जाएगा रूट नीचे रह जाएगी तो सिस्टम में ही नहीं था उनकी नर्सरी रेज करना बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिस्टम मॉडर्न सिस्टम अब कोई ऐसी पौध नहीं है जिसकी हम पौध नहीं बना सकते बस वो एक ही चीज देखनी है टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी

और दूसरी जो बची हुई सारी वो उधर आठ से दस क्यूबिक सेंटीमीटर ऑप्टिमम स्पेस उनको चाहिए, चाहिए। तो को। कोकोपीट वर्मिकुलाइट परलाइट लाइट कोकोपीट कहा से आता है जो नारियल पीते हो ना जूस पीते हो नारियल का ऊपर का जूस निकालने के बाद जो खोपड़ा बच जाता है नारियल निकाल लिया उसको ग्राइंड करते हैं ग्राइंड करके डीकम्पोज करते हैं ठीक है डीकम्पोज होने के बाद स्टीम से स्टेलाइज करते हैं ठीक है फिर उसको बोरों में भरते हैं या तो लूज भर दें या फिर सुखा के उसको कंप्रेस्ड ड्राई ब्रिक्स बना दें ईट बना दें उसकी अभी आज उधर गए थे वो एग्जीबिशन लगी थी किसानों ने गोबर की ईट बना रखी थी ठीक है ईट तो बन सकती है तो इसकी भी बनती है तो कंप्रेस्ड ड्राई ब्रिक्स बनाने में क्या फायदा होगा जैसे लूज भर दिया आपने आपने स्टलाइज तो कर दिया स्टीम से स्टेलाइजेशन कर दिया लेकिन वो लूज कहीं पड़ा था ओपन फील्ड में कहीं भी स्टोर में उसमें कहीं छेद हो गया कट्टे में फिर वो फंगस एंटर हो हो गया कहीं से जाके तो प्रॉब्लम वही क्रिएट गई लेकिन ड्राई ब्रिक्स को पचास साल रख लो आप बीस साल रख लो प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बोने से पहले जैसे कल आपको नर्सरी में उसको डालना है मीडिया को आज भी वो दो उसको अपने से पांच गुना ज्यादा से पांच किलो की ईट है तो पच्चीस किलो मटेरियल आपका बन जाएगा इतना पानी उसमें डलेगा वो स्वेल होगा फूल जाएगा पूरा और तैयार हो जाएगा नेक्स्ट डे उसको आप आपको कर दो उसमें भर दो तो कोकोपीट मेन मीडिया है जो प्रोवाइड करता है रूट जोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है दैट सिस्टम को ठीक है फिर वर्मीकलाइट है वर्मीकलाइट आता है कहां से माईका तो इसको बहुत हाई टेंपरेचर पे एक्सपेंड करते हैं तो वो तो मेन मीडिया कोकोपीट और ये वर्मिकुलाइट ही क्या करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है की नहीं हो तो छोड़ देगा ये पानी को जकड़ के रखता, पकड़ के रखता और सो सो डिग्री पे करते हैं माइका को देन वी है वो तो फूंक मारोगे उड़ जाएगा पूरा ऐसे रुकेगा ही नहीं कहीं तो वो है वोल्कानिक रॉक से उसको और भी ज्यादा टेम्परेचर पे एक्सपेंड करते हैं और उसका क्या करेक्टरिस्टिक क्या, क्या काम है उसका परलाइट का वो जड़ों में एयर प्रोवाइड करता है हवा का आदान प्रदान करता है जब मिक्स हो जाता है तो इट प्रोवाइड एयर इन साइड जोन जब आपकी रूट डेवलपमेंट होगी बिल्कुल ही सब कुछ इंटेक्ट हो गया तो फंगल फंगस वगैरह अटैक करेंगे इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा तो तीनों हो का तो क्या रेसो हुई थ्री वन वन सीधा किस बेसिस पे नॉट वेट बेसिस वॉल्यूम तीन बाल्टी एक बाल्टी एक बाल्टी भर लिया आपने वो डाल दिया तीनों को मिक्स कर लिया फिर आप उसको यूज कर सकते हैं मीडिया को जो ना ठीक है ना फिर देन कम टू योर नेक्स्ट अब ये बो दिया आपने ऊपर पर रख दिया अब देखिए लौकी बुआई कर रहा है ठीक है अब लौकी का सीड तो पड़ा है अगर यही टीपीएस का सीड हो आलू का या यही लेट्यूस का सीड हो तो क्या आपकी चुटकी भी एक सीड आ जाएगा क्या टमाटर तो का भी दिया गया एक तो तो टमाटर में तो कोशिश करते हैं क्योंकि सीड इतना तो कॉस्टली है तो एक एक सीड डालना पड़ता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वैसा काम है जिससे डर्जरी होती है आदमी के उस पर भी बोझ पड़ता है जो काम करने वाला है एक एक सीड को छांटना पहले इंप्रेशन बनाएगा पहले तो छेद बनाएगा ना हल्का सा उंगली से और फिर सीड डाल लेगा फिर ऊपर एक लेयर वर्मिकुलाइट की देंगे क्योंकि वर्मिकुलाइट मॉइस्चर को होल्ड करता है और सीड को मॉइस्चर चाहिए जर्मिनेशन के लिए तो इस तरीके से ये है पर ये थोड़ा सा ये मैनुअल था इसको मैकेनाइज कर दिया फिर फर्दर अगर इसको कैसे मैकेनाइज कर सकते हैं चलिए ये ये तो क्या आगे वही आ गया ये सीडलिंग तैयार आपकी अब खीरे की पौधा जो पांच दिनों का आपको कुमर होता है ठीक है अब ये सीडलिंग लगभग तैयार है लगभग तैयार है अगर दो दिन और रुक जाते हम तो क्या फर्क पड़ रहा था ये हमने अप्रूव कर ली पच्चीस दिन पे अगर दो तीन और दिन और रुक जाते तो क्या बदलाव आता ये बदलाव आता फिर देखिए रूट डेवलपमेंट अब बिल्कुल उस टाइम पर क्या हो रहा था उस टाइम पर देखिये यहाँ क्या हो रहा था यहाँ हम जब सीडलिंग को निकाल रहे थे प्लग ट्रेस से तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा था तो उस वर्ड को क्या कहेंगे पुल और अब यहाँ पर तीन दिन के बाद क्या हुआ यहाँ पे शब्द बदल गया पिक हो गया उठा रहे हम पुल नहीं कर रहे अब अब जोर नहीं लगा रहे यहाँ पे सिर्फ पिक कर रहे हैं ऐसे रखा था उठा लिया हमने क्योंकि रूट्स चारों तरफ वो पूरी वो हो गई से। तो रूट हो गया तैयार तो इस हो इसके अंदर फिर आपका अब आप भाई ये दुखी हो रहा था बहुत ज्यादा इसका भी कोई इलाज करें अगर भाई ये मशीन बना दी प्रोटोटाइप बना दिया शोइंग करेगी सख्त सिस्टम से

तो आप देखिए कितना दुखी हो रहा है लेबर एक हाथ में उसके प्लटरे है पूरी पकड़ रखी एक हाथ से निकाल रहा डाल रहा झुक रहा है और दूसरा बंदा ट्रांसप्लांट कर रहा है ठीक है तो दिक्कत हो रही है ना डर्जरी बोलते हैं इसको ठीक है इसको कैसे कम करें क्या इसको मेकेनाइज नहीं कर सकते इसको भी कर सकते हैं ये हो गई देखिए मैकेनाइज हो गई ये भी बना दिया ट्रांसप्लांटर आई आर हम लोगों ने ये बना दिया अब दो आदमी बैठेंगे सीट पे पेक एक एक सीडलिंग निकाल कर डालेंगे मशीन ट्रांसप्लांट करेगी तो आपकी टर्जरी खत्म हो गई अब ठीक है तो मैकेनाइज हो गया प्लग सिस्टम पूरा सोइंग से लेकर मीडिया मिक्सिंग से लेकर ट्रांसप्लांटिंग तक नाउ थिंग्स कैन बी नहीं नहीं है तो नहीं है कोई बात नहीं वैसे भी काम चला सकते हो क्या फर्क पड़ रहा है पर सिस्टम तो बदल गया ना अब हेल्दी सीडलिंग्स तो तैयार कर सकते हो वायरस फ्री सीडलिंग तो तैयार कर सकते हो ठीक है ना ये चीज हो गई या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं देखिए आप देन ये ट्रांसप्लांटिंग हो गई आपकी रेज बेड्स के ऊपर आप उखाड़ोगे से ये है। एक, एक उखाड़ा दो किलो आलू नीचे से निकला है ठीक है ये पौधे को बाहर लेते हैं ये समस्या है पूरे राजस्थान में ग्रीन हाउसेज में ओपन फील्ड्स में क्योंकि सैंडी सॉइल्स है और सैंडी सॉइल्स में रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इज वेरी वेरी हाई अगर यूपी की हो तो रेट ऑफ इतना नहीं होगा सैंड ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं नेमेटोड्स जब ये CBIT हो जाए और कहीं पे फ्यूजेरियम वर्टीसीम और दूसरा फंगस बहुत ज्यादा डेवलप हो गया तो फिर क्या आंसर है हमारा या तो केमिकल्स का यूज करें अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये नेमेटोड है और बहुत सारी जो एमएनसीज हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हैं सीड की कंपनियां हैं यूरोप की हों यूएस की हों ताइवान से हों और कहीं से जापान से हों साउथ कोरिया से हों वो कैटलॉग आपके पास आएगा कैटलॉग में क्या लिखेंगे वैरायटी का नाम दिस वैरायटी इज हैविंग दिस रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस 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 नेमेटोर्स के अगेंस्ट लिख देंगे रेजिस्टेंस अगेंस्ट नेमेटोड्स मेलाइन जावानी का ब्रैकेट में लिख देंगे ओनली अप टू ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड अट्ठाइस डिग्री यूरोप के लिए तो काम करेगी अट्ठाइस डिग्री अब हिंदुस्तान में अट्ठाइस थोड़ी रहेगा टेम्परेचर अड़तालीस भी जाएगा पैंतालीस भी जाएगा तो ब्रेक डाउन हो गया ना रेसिस्टेंस जोन वेराइटीज की रेसिस्टेंस वहां काम कर रही थी इट कैन नॉट वर्क अंडर इंडियन कंडीशन तो धरी रह गई वो रेसिस्टेंस यहां थे तो इसलिए फेल है पूरा सिस्टम नो रेसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नेमेटो इज वर्किंग इंडियन कंडीशन हार्स कंडीशन है हमारी एक्सट्रीम है दोनों तरफ लोअर साइड में भी और हायर साइड में भी तो ऐसे ही सॉइल बॉर्ड फंगस आपने किसी खेत में मान लिया टिंडा चार पांच बार उगा लिया सबसे ज्यादा सेंसिटिव है राउंड मेलन नंबर टू इज मेल इज वाटरियम बिल्ट फ्यूजेरियम बिल्ट एक बार बिल्ट अप हो गया फिर भूल जाओगे टिंडा क्या होता है उगाना है तो इसलिए क्रॉप रोटेशन चाहिए या तो या फिर उसका आंसर चाहिए रेसिस्टेंस चाहिए आप फ्यूजेरियम की कितनी रेस है F0, F1, F2, F3 इतनी रेसिस अवेलेबल हैं आपने वैरायटी एक के मेहनत करके एक के अगेंस्ट बना भी ली तैयार भी कर ली तो दूसरी आ जाएगी तीसरी आ जाएगी चौथी आ जाएगी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप वैरायटीज रेजिस्टेंट वैरायटीज और वो फिर वर्क नहीं कर पाती अलग अलग कंडीशंस में तो बेस्ट है क्या कोई ऐसा तरीका है जो परफेक्ट नॉन केमिकल आंसर हो सकता है अब फ्रूट में करते ना रूट स्टॉक अलग, अलग होता है ना, हों, दूसरे फ्रूट सब में रूट अलग होता ना अब वो हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स में भी अप्लाई कर दिया सीधा का सीधा ये आप देखिए कितना बुरा फंगस है ठीक है और ये ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी वेजिटेबल्स में भी कर दी अब नीचे जंगली बैंगन है सोलेनम टोरवम फाइल ग्रो होता है बे आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर जाएंगे ईस्ट कोस्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उड़ीसा नीचे तमिलनाडु तो वहां तो है होता है वो लेकिन वो बैंगन जंगली सोलेनम टॉर्बम हमारा खाने वाला बैंगन क्या होता है सोलेनम मैलनजी ठीक है ओके <laughs> डुप्रोसम इज पोटैटो ठीक है तो अब वो टोरबम जो हमने लिया लेकिन वो टोरबम क्या है उसकी खासियत वो ना तो नेमेटोड को को पहचानता पहचानता ना को जानता जानता ही नहीं आपकी सीडलिंग ये टॉरवम है वो टमाटर है आपका अब ये हो गई तैयार क्लिप लग गई और तैयार हो गई सीडलिंग आपने ट्रांसप्लांट की अब ये केरला की पिक्चर है जहां पे बैक्टीरियल विल्ट पूरे बे आइलैंड्स में ईस्टर्न जो ईस्ट कोस्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उत्तरी पूर्वी राज्य वहां हाई ह्यूमिडिटी टेम्परेचर थोड़ा सा रहता है तो वहां पे सबसे बड़ी में में क्या एकदम से है जो इतना तंग करता है, मार लेता है तो केरला में भी है तो ये तो है रूबी अकेली खुद उस पर कोई नहीं सच है प्योर और ये ग्राफ्टेड है साइड बाई साइड अब वो गायब हो गया आपका अब वो पहचान ही नहीं रहा महम्मत भाई कौन है बैक्टीरियल बैठी क्या चीज है क्या चीज है पूरी ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी दो ग्रुप्स में सोलेनेसी में और कोकरपीटी में अब ये देखिए क्या हालत कर दी यही सॉरी यही वो पौधे निकाला था जो दिखा था ना रूट यही का वो जड़ थी ये देखिए और ये देखिए बेड पूरी की पूरी इस तरफ की बेड इसमें नहीं है ना वो पूरा ग्राफ्टेड है वो पूरी की पूरी एज सच है विदाउट ग्राफ्टिंग है ठीक है तो ये गैप है तो नॉन केमिकल परफेक्ट आंसर क्या है ग्राफ्टिंग है ठीक है अब ग्राफ्टिंग से पूरा सोल्यूशन बेल वाली सब्जियों में अक आपको मस्क मेलन वाटर मेलन को ग्राफ्ट करना है तो पंप किन नहीं जानता किसी चीज को समर स्क्वेश नहीं जानता विंटर स्क्वेश नहीं जानता किसी चीज को फ्यूजेरियम को और एक विंटर स्क्वे का समर स्क्वेस का हाइब्रिड बना दें तो दिस इज द बेस्ट रूट स्टॉक सोल्यूशन खत्म नीचे पंपकिन या नीचे समर स्क्वेस रहेगा ऊपर आपका खीरा या आपका मस्क uh, मेलन या वाटर मेलन रहेगा तो उसमें भी ग्राफ्टिंग संभव है तो ग्राफ्टिंग जो है एक्चुअली इज द परफेक्ट नॉन केमिकल आंसर टू ऑल वन प्रॉब्लम्स पहले इसराइली क्या करते थे मिथाइल ब्रोमाइड यूज करते थे यूरोप में भी यूज होती थी लेकिन अब जब से डब्ल्यू टीओ इम्प्लीकेशन आई है ना लागू हुआ दे हैव टू बैन मिथाइल ब्रोमाइड बहुत लिथल है है ठीक भोपाल गैस का सुना कभी? तो वो सेम ही है <laughs> तो मिथाइल ब्रोमाइड को यूज नहीं कर सकते तो इंडियन कंट्रीज में चोरी छुपे हो सकती है चोरी छुपे बहुत सारी चीजें होती है बट वी कांट यूज ठीक है नॉर्मली हमें नहीं करनी चाहिए एथिकली भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बिग पॉपुलेशन उसका ध्यान रखना चाहिए तो इसलिए हमें वैरायटी काम नहीं कर रही ब्रेकडाउन हो जाती है, काम नहीं कर रहे, जब होती है, की, है? या फंगस की सॉयल बॉन्ड की फ्यूजेरियम पीथियम जो भी कुछ है तो बेस्ट आंसर है ग्राफ्टिंग और ये अब थोड़ा थोड़ा कॉमर्शलाइज होता जा रहा है वीएनआर नर्सरी है रायपुर में और एक दो अब जो ग्राफ्टेड नर्सरी टमेटो की और दूसरे की बैंगन हो बैंगन भी बहुत ज्यादा वो है उस पर फर्क कम पड़ता है इन कंपेरिजन टमेटो चिल्ली एंड कैप्सिकम लेकिन फिर भी कल्टीवेटेड को हम वाइल्ड के ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हैं है, आसानी से तो ये हुआ आपका वेजिटेबल्स का नर्सरी क्या इंपोर्टेंस हुई इस नर्सरी की क्या फायदे हुए एक फायदा वायरस फ्री हेल्दी डिजीज फ्री नंबर जन किसी को कभी भी तैयार कर सकते हैं कोई नहीं बाहर पारा पड़ रहा तो क्या फर्क पड़ रहा है नंबर सीड सीड रेट घटा दिया आपने seed जो है एक लाख रुपए किलो है अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम में बाहर के आरियो में बीज बोएंगे तो हमारी सिफारिश एक सौ से दो ग्राम की है एक हेक्टेयर के लिए टमाटर की पौध तैयार करने के लिए तो एक कितने का आया दो ग्राम सीड अगर एक लाख रुपए किलो है तो बीस हजार का और इसी में तैयार करें अब यहां प्लग ट्रेज में तैयार कर दे मान लिया तो अब प्लग ट्रेज में एक एक बीज बोएंगे हम ठीक है ना एक उसके अंदर एक सीड बोएंगे ये ये आपका एक उसमें एक सीड बोएगा आपका एक प्लग उसमें ये देखिए आप ठीक है ए, गया वो, ये, एक, एक सीड बोया जाएगा और हमें पता है टमाटर में एक ग्राम में कितने सीड होते हैं मैथमेटिक्स है

अगर भाई बाहर टमाटर की पौध तैयार कर देते और वायरस आ जाता इंसिडेंस हो जाता पता नहीं लगता आपको मेन फील्ड में, में ट्रांसप्लांट करोगे तो पूरी आपका खेत ही बर्बाद हो गया एक बार चाहे वो वाइट फ्लाई एक बाइट करे या पचास बाइट करे वो कोई डिफरेंस नहीं होता एक बार उसके सेप के अंदर चला गया वायरस फिर कोई रिमूव नहीं कर सकता ठीक है हम ही ऐसे बने हैं अगर हम सरवाइव कर सकते हैं चाहे कोविड आए चाहे को आए जो जिनकी अच्छी इम्यूनिटी है बच सकते हैं बाकी प्लांट्स में बचने की कोई गुंजाइश नहीं है कोई सोचे भैया अभी व्हाइट फ्लाई बाइट करके गई थी यहाँ इसको काट दे देखोगे कैसे व्हाइट फ्लाई बाइट करके गई थी उसका पता कैसे लगेगा अगर भी काट दे इसको तो वो संभव नहीं है असंभव चीजें हैं ठीक है, है ना अब बात आती है क्या ये चीज़ वेजिटेबल्स में इंपोर्टेंट है या फ्रूट क्रॉप में ऑर्नामेंटल्स में मेडिसिनल प्लांट्स में भी इम्पोर्टेंट है में, में ये सब इंपोर्टेंट है टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ हर्टिकल्चर तो आप वहां जाओ आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम गए 2000 में सारा मिजोरम में सारी जो है ना एक तो स्टीप स्लोप कोई वो टेरेस नहीं बना रखी फील्ड सीडी है, है, उगा रहे मिजोरम की पिक्चर आईजॉल की हमने वहां डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को सजेस्ट किया पूरा उखड़वा दो और सारा नया वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल किसानों को दो तो ये इतना ही फ्रूट में में है जितना में है। है, है? जितना वेजिटेबल्स वायरस फ्री, फ्री प्लांटिंग का होना बहुत जरूरी ठीक है. है? पपीते आते है है, हैं तो उसको भी आपको सुरक्षित तैयार करना पड़ेगा तो इट इज इंपोर्टेंट इक्वली इंपोर्टेंट टू ऑल द सेगमेंट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑल ग्रुप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर ये जरूरी नहीं है कि भाई ये सिर्फ अब मात्र ये सब सब्जियों के लिए बात करेंगे फ्रूट क्रॉप अब ये कार्नेशन है है ना चाहे वो लीलियम हो चाहे वो जरबेरा हो चाहे वो कार्नेशन हो जो भी हो सब के लिए ग्लैडियोलस हो सबके लिए अब ये हल्दी अदरक के लिए भी इम्पोर्टेंट वहां भी वायरस आता है वी तो मस्ट बी केयरफुल अब इसको टेक्नोलॉजी को क्या हम सौफ में अजवाइन में इनमें भी लगा सकते हैं क्या

जीरे में नहीं हो सकता कलौजी में नाइजेला में नहीं हो सकता आपका विलायती सौंप में नहीं हो सकता विलायती सौंप क्या होती है अनाइस -E. अनाइस ए एन आई एस ई इज विलायती उसका दाना छोटा होता है हमारी फैनल जो है सौंप वो बड़ी होती है इंडियन सौंप को ज्यादा पसंद करते हैं यूरोपियंस अनाइस को ज्यादा पसंद करते हैं ठीक है तो अनाइस ठीक है इज विलायती सौंप कलौी इज नाइजेला नाइजेला नाइजेलाइवा ठीक है और तीसरी चीज क्या हुई जीरा जीरा क्या है क्यूमिनम ठीक है और तो कुछ नहीं है? है, काला जीरा होता बोनियम परसिकम वो अलग है बिल्कुल वो वहां होता है कारगिल में जाके थोड़ा बहुत उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है पर इसका भी जीरे का भी अच्छा है पर ये अलग अलग हैं सारे जो ना तो इसलिए चार में फिट हो गई ये टेक्नोलॉजी जब मैं वहां भी आया डायरेक्टर तो मैंने कहा भाई सब्जियों की पौध बनाते हैं तो इनकी नहीं पौध बना सकते क्या फिट कर दिया इनको शॉप में अजमायन में और एक सैलरी तीसरी चीज क्या सोवा डिल डी आई डबल एल डी आई डबल एल क्या होता है एनेथम सोवा इंडियन सोवा जो है एनेथम सोवा भारतीय जो वो है सोवा उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है यूरोपियन सोवा होता है एनेथम ग्रबलेंसिस उसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज्यादा नहीं है उसमें वो होता है दिलापॉल कंटेंट तीस तीस परसेंट तक होता है ये बच्चे है ना मॉडर्न एरा पैदा हुए पता नहीं नहीं, नहीं तो ग्राइप ग्राइप वाटर पिलाते थे, थे बच्चों को पहले ठीक है ग्राइप वाटर इसलिए पिलाते थे, थे अगर बच्चे कच्चा दूध पीते हैं डाइजेशन नहीं होता फिर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो ये जो ग्राइप वाटर है इसे सोवा से ही बनता है, तो है, का है. है? तो तो बायोपेस्टीसाइड बना दिया यूएस में पेटेंट करा दिया और जापान की कंपनी को बेच दिया इतने स्मार्ट है लोग अरे उगाओगे कहा उगाओगे इंडिया में नागौर में ही आके वहां उगाओगे क्या देखेंगे फिर कैसे करोगे तो ये हमने चार में अप्लाई कर दिया तो अब ये सारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा मेटेरियल जो है वो क्या हुआ है? तुम वेबर इसको। अब ये तो बात हुई अब ये टॉपिक खत्म होगा क्योंकि मैं इसमें तुम फर्स्ट ईयर में हो इतने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा एमएससी पीएचडी के हिसाब से ठीक है दिस इज सफिसियंट हाजवा भी तो होना चाहिए ना

और क्या कर सकते हैं सीडलिंग ओपन सिस्टम सिस्टम में ट्रेडिशन में ट्रेडिशनल जो पौध बनाते थे सीडलिंग्स को उखाड़ते थे रूट टूट जाती थी काफी उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते थे दो शब्द बताते थे मोर्टिलिटी एंड ट्रांसप्लांटिंग शॉक भाई आप किसी चीज को कहीं से उखाड़ोगे तो उसको शॉक तो लगेगा ना झटका तो लगेगा और फिर जब प्लांट करोगे वहां जाके तो मोर्टिलिटी भी होगी मरेंगे भी दस बीस परसेंट तो गर्मी में ज्यादा मोर्टिलिटी होती, होती है के तो दोनों शब्द गायब हो गए ना नो नो उखाड़ा नहीं, रखी थी उठाया था पिक किया था हमने पुल, पुल करते ही मरती वो जो है ना ठीक है तो ये ये है सारा का सारा फिर आपका हो गया लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकते हो आप पौध को ठीक है पैक होकर जा सकती है आपने बॉक्सेस में किया कार्टून बॉक्स में नीचे पॉलिथीन बिछाया क्योंकि पानी मॉइस्चर गत्ते पर नहीं जाना चाहिए उसको वो करना है और पैक करो और ले जाओ आप टेम्परेचर थोड़ा ठीक होना चाहिए उसको खोल कर रख दो कहीं ट्रांसपोर्ट ज्यादा लंबा हो रहा है तो और क्या हुआ और बताओ बिजनेस के रूप में काम कर सकती है ऐसी नर्सरी एग्री बिजनेस ठीक है अगर भाई एक हजार स्क्वायर मीटर में आपने ग्रीन हाउस बना लिया मिनिमम छह बैचिज में आप पौध तैयार कर सकते हो आठ में भी कर सकते हो क्योंकि आपका एक बैच पच्चीस तीस दिन लगते चालीस दिन सिर्फ चलवा मिर्च में मिर्च में लगेंगे चलो चालीस भी काउंट कर लो आप तो भी छ से आठ बैचेज में जा सकते हो एक बैच में आपकी हजार स्क्वायर मीटर में तीन से साढ़े तीन लाख सीडलिंग तैयार होंगी छह बैचेज में कितनी हुई बीस लाख अब एक पर आपकी ब्रेक इवन कॉस्ट आई क्योंकि सीड की बात नहीं करनी किसान से सीड दस पैसे का भी और सीड दस रुपए का भी है अगर आप कुकुम्बर की बात करोगे मोनोसियस जो वेराइटीज है ओपन फील्ड में जो ग्रो करते हैं उनका सीड आपको दस बीस पैसे का मिल जाएगा लेकिन पार्थिनो कार्पी कुम्बर जो ये फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं अभी बसेडी में वो रिक जवान का साढ़े आठ रुपए का एक सीड है तो सीधी कॉस्ट डिफरेंस तो इसलिए किस सिस्टम पर काम करेगा प्री ऑर्डर एक तो ये नहीं है कि चीनी की बोरी है या दाल की बोरी है किसान ने कहा कि मैं इतनी लेके जाऊंगा पहले साइन करना पड़ेगा आपको आना पड़ेगा ऑर्डर देना पड़ेगा जब भी हम तैयार करेंगे मान लिया चीनी की कोई का आग में चीनी लेने आऊंगा नहीं आया कोई बात नहीं गोर ले जाएगा आके पर ये तो 25 दिन में तैयार होगी 30 दिन में उसके बाद तो खराब हो जाएगी ना तो इसलिए सिस्टम विल वर्क ओनली ऑन प्री ऑर्डर बेसिस और एक और बात करनी पड़ेगी अगर भाई सीड आप लेके आए या हमें ऑर्डर देंगे सीड आपका है क्या चाहिए आपको आप पूसा भी चाहते हैं या आप अविनाश चाहते हैं हिम सोना चाहते हैं हिम शिकर चाहते हैं वो आपके ऊपर एक लाख रुपए का चाहते हैं या एक हजार रुपये किलो का सीड चाहते हैं वो आपको बताना पड़ा या तो ले आओ या हमें बता दो हम परचेज कर देंगे आपका तो प्री ऑर्डर बेसिस पे सिस्टम काम करेगा बट बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं कि जो पीथियम है सॉयल वन फंगस का सोल्यूशन हो गया नेमेटोड्स का सोल्यूशन हो गया ऑक्सीजन नर्सरी हो गई और साल भर नर्सरी तैयार हो सकती है ऐसी वेजिटेबल्स जिनकी पौध तैयार करना संभव ही नहीं था मेनली कुकर ब्रिटिश वेजिटेबल्स जिनकी पौध तैयार कर सकते हैं सारे फायदे हैं दस पंद्रह फायदे हैं इसके कम से कम ठीक है तो ये इसकी इम्पोर्टेंस भी फायदे इज इक्वल टू इंपोर्टेंस इंपोर्टेंस इसलिए है कि इसके एक्सपेंशन की जरूरत है हमें क्योंकि अभी जो प्रोडक्टिविटी वेजिटेबल्स की है अठारह प्लस टन पर हेक्टेयर इंडिया की चाइना पच्चीस प्लस करता है और स्पेन से कंपेयर करेंगे तो वहां तो पचास टन पर हेक्टेयर है वी आर नो वेयर अट्ठारह पचास बहुत बड़ा गैप हो गया तो दिस इज ह प्लांटिंग मटेरियल के कारण है तो प्लांटिंग मटेरियल हेल्दी वायरस फ्री वीगर सीडलिंग होनी चाहिए एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू बी अप्लाइड इन वेजिटेबल्स इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू ऑल दी ग्रुप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर वो काली मिर्च हो चाहे वो आपकी हल्दी हो चाहे अदरक हो चाहे वो आपका जो भी क्रॉप हो आइदर ऑफ द क्रॉप ठीक है सबके लिए इंपॉर्टेंट है आप बताइए लिख सकते हैं आप अगर हम पूछे दस एडवांटेज लिखने हैं मॉडर्न नर्सरी रेजिंग के तो यू विल राइट ओके गुड अब कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक क्वेश्चन क्विकली क्योंकि बाहर के बच्चे भी वेट कर रहे हैं टाइम okay. भी हो गया होगा ज्यादा तो विल टेक अप दिस सेकंड टॉपिक आपको मैडम जाना हो तो आप जा सकते हैं नहीं नी, नी। नहीं कोई नहीं 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 अगर फिर भी है ना कि आपको हाँ हाँ तो बेटा अब इसमें क्विक क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप कोई भी एक दो तीन चार जो भी क्वेश्चंस आपको क्विकली पूछने हैं तो बताओ फटाफट कोई क्वेश्चन पूछना है तो बच्चों को इससे रिलेटेड यस नो क्वेश्चन चलिए ज्यादा जब आगे आओगे जब फिर लेवल इसका बढ़ जाएगा ठीक है अभी इतना काफी है ठीक है नेक्स्ट इज इरीगेशन अभी तक इरीगेशन के कौन से मेथड यूज करते हैं ज्यादातर सरफेस इरीगेशन फ्लड इरीगेशन क्यारी भर के पट्टा भर के खोल दिया प्याज में पैंतीस पानी जा रहे हैं प्याज दो रुपए किलो बिकेगा फिर ठीक है <laughs> क्या मिनिमम क्या कर सकते हैं मिनिमम कर सकते कोई बात नहीं आप सरफेस इरिगेशन करते रहो लेकिन लेजर लेवलिंग तो कर लो तो भी पंद्रह से बीस परसेंट पानी बचेगा आपका लेजर तो लेवलिंग है ओके एटलीस्ट वी शुड गो विद लेजर लेवलिंग ऑफ द फील्ड्स जहां पे हम कोई भी वेजिटेबल्स कोई भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसमें इतना तो कम से कम होना चाहिए फिर आपका रिजिज बन सकती है ठीक है चैनल्स में पानी जाएगा पानी बचेगा सारे में तो नहीं दे रहे पहले तो लेवल कर लिया और फिर जो है आपने रेजिस बना दी वेजिटेबल सुपर ज्यादा अच्छी होंगी आपकी ठीक है इसके भी सारे इक्विपमेंट्स हैं फिर आपने प्लांटिंग कर दी है सीड क्रॉप है ये देखिए रिजिज है आपकी ये मिक्स क्रॉपिंग है ऑनियन भी है धनिया भी है बीच में कुछ और है ये आपका देखिए कॉलीफ्लावर अब बात आती है इसके बाद मूव टू नेक्स्ट ये तो हुआ ट्रेडिशनल एक तो ट्रेडिशनल पहले वैसी वो होती थी लेवलर होता था उससे ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती थी लेजर लेवलर जो है वो परफेक्ट सिस्टम है पंद्रह से बीस परसेंट वाटर सेविंग हो सकती है आराम से अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि भाई आप ड्रिप सिस्टम पर या किसी और सिस्टम पर नहीं जा सकते नो प्रॉब्लम फिर अब मेथड है दूसरा एक तो स्प्रिंकलर ठीक है और ड्रिप इसको क्या बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स माइक्रो इरिगेशन ठीक है दो कंपोनेंट्स हो गए माइक्रो इरिगेशन के वन इज स्प्रिंकलर वन इज ड्रिप जब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करते हैं तो बहुत लिमिटेड वेजिटेबल्स में स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हैं क्योंकि जब हम फोलियर स्प्रे करेंगे पानी का छिड़केंगे और टेम्परेचर ज्यादा है ह्यूमिडिटी हम क्रिएट कर रहे हैं तो इट कैन इनवाइट डिफरेंट डिजीजेस एयर बॉर्न डिजीज को इनवाइट कर सकता है ठीक है लिमिटेड यूज हो सकता है अगर मटर में ज्यादा यूज कर दिया पाउडरी मिल्टू आ जाएगा जीरे में कर दिया अल्टरनेरिया ब्लाइट आ जाएगा तो ये लिमिटेशन है स्प्रिंकलर की कर तो सकते हैं लेकिन उसमें तो पूरी जमीन को वेट करना पड़ रहा हमें तो, तो पूरे पर चलेंगे ना तो जहां हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं स्प्रिंकलर हैज लिमिटेशंस बट वी कैन यूज एब्सोल्युटली वी कैन नॉट डिस्कार्ड द यूज ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम बट ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम अब इसमें भी दो टाइप का होता है अब ये ड्रिप सिस्टम है इसमें ड्रिपर कहां लगा है लेटरल के अंदर है ये जो पाइप है इसको क्या बोलते हैं लेटरल इसके अंदर ड्रिपर लगा है और इधर से वो सौ मीटर की लंबाई है एक उसकी बेड की उसके ऊपर हमने ये पाइप डाला है लेटर डाला है तो जो पहला ड्रिपर दो लीटर पानी डिस्चार्ज करेगा पर आवर सौ मीटर वाला भी दो ही लीटर पानी डिस्चार्ज करेगा ये खूबी है दिस इज इस टेक्नोलॉजी इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेसराइज ड्रिप सिस्टम इन 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 लाइन ड्रिप सिस्टम ड्रिपर अंदर लगा है और एक आपने देखा होगा पाइप के ऊपर डिबरी सी लगी है होता है ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम इनलाइन ऑनलाइन ठीक है तो ये इन लाइन है ऑन इन लाइन को क्या कर सकते हैं जमीन के ऊपर भी सरफेस पे और सब सरफेस हम नहीं चाहते रोजाना उसको लपेटे और फिर बिछाएं और फिर साफ करें हम चाहते हैं परमानेंट उसको नीचे डाल दें जमीन के अंदर खोद के वो बना के चैनल्स और इसको डेढ़ फिट पर दबा देते हैं नीचे एक फिट पर दबा देते हैं दबा दिया तो ये सब सरफेस भी काम करेगा लेकिन जो ऑनलाइन वाला है वो सब सरफेस नहीं काम करेगा वो टूट जाएंगे सारे जैसे आप दबाओगे चौक हो जाएंगे मिट्टी फंस के ऑनलाइन वाले का सरफेस पे भी लिमिटेशन है कि जब आप ऑपरेशन करोगे या खेत में घूम रहे हो आप और आपका पाइप पैर गिर गया उसके ऊपर पाइप के ऊपर ऑनलाइन वाला टूट जाएगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें कितना आपका पैर डल जाए या कोई इंप्लीमेंट लग गया खुरपी लग गई कस्सी लग गई कुछ भी लग गया तो ऑनलाइन वाला डैमेज हो जाता है ऑनलाइन वाले का एक ही फायदा है इसका जो डिमेरिट है इसमें कोई ड्रिपर बाई चांस चौक हो गया वो बदला नहीं जा सकता ऑनलाइन वाला बदला जा सकता है उस ड्रिपर को हटाकर नया लगा देंगे तो अपनी कुछ मेरिट्स कुछ डिमेरिट्स दोनों सिस्टम्स की हैं। ज्यादा अच्छा जो सिस्टम है वो इनलाइन वाला है और इसमें भी दो हैं फिर फर्दर लो प्रेशर ड्रिप भाई इड ड्रिप को तो क्या चाहिएगा आपको बिजली चाहिए प्रेशर बनाने के लिए बिजली चाहिए मोटर चलानी पड़ेगी गांव में बिजली है नहीं एक घंटा आएगी रात को फिर क्या करोगे तो वी और छोटा किसान है मात्र एक भी गांव में सब्जी करना चाह रहा है प्रेशराइज ड्रिप तो हेक्टेयर में लगेगी दो हेक्टेयर में तो छोटे किसान के लिए लो प्रेशर ड्रिप सिस्टम ठीक है वो दिखाएंगे आपको अब देखिए इसमें कि कैसे पानी रूट जोन में जा रहा है और बिल्कुल फिक्स्ड है कि कितना पानी एक ड्रेपर छोड़ेगा दो लीटर ढाई लीटर पर आवर पर ड्रेपर जो एक मीटर वाला छोड़ देगा वो सौ मीटर वाला भी उतना ही पानी देगा यही तो टेक्नोलॉजी है अब ये नहीं ना वैसे हम ब्लाइंड पाइप ले लें ऐसा ले पीवीसी का या एच का और उसमें ऐसे करें उस पाइप को लेकर सुई ली और उससे छेद कर दिया ऐसे शुरू से लेकर सौ मीटर तक तो क्या होगा बताओ जरा सारा पानी पहले ही निकल जाएगा आखिर में सौ मीटर पे एक बूंद भी ली जाएगी ठीक है ना तो यही तो टेक्नोलॉजी है प्रेसराइज ड्रिप भैया पहले वाला ड्रिप पर ड्रेप लीटर देगा पानी डिस्चार्ज करेगा सौ तो मीटर वाला भी दो ही लीटर डिस्चार्ज करेगा ओके ये है इसका सारा का सारा देन कम टू ये देखिए प्याज प्रेसराइज ड्रिप पर कितने पाइप डले हैं इसमें दिख रहे हैं तीन वेरी गुड थ्री पाइप्स हैं तीन लेटर डले हुए हैं क्योंकि बहुत नैरो ट्रांसप्लांटिंग है प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है दस सेंटीमीटर बारह सेंटीमीटर पर ट्रांसप्लांटिंग है रो टू रो डिस्टेंस बहुत कम है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बहुत कम है तो तीन लेटरल यूज करने पड़ेंगे हमें उसको वेट करने के लिए उसको इतना पानी देने के लिए उस क्रॉप को प्याज को लहसुन को लेकिन क्रॉप बदल जाए अब मान लिया क्रॉप बदल गई स्वीट कॉर्न है अब दो रो है बेड पे दो रो दो दो लेटरल है ठीक है अब मान लिया इसके बाद कोल क्रॉप्स है तो दो में काम चलेगा ये आपके ब्रॉकली है दो रो है एक रेस बेड पर अस्सी सेंटीमीटर टॉप है चालीस सेंटीमीटर लेटर टू लेटर का डिस्टेंस है दोनों में उसी पर ट्रांसप्लांटिंग है सौ मीटर तक देखिए आप कितना सीधा ठीक है ना तो वाटर सेविंग फर्टिलाइजर सेविंग आपका हो सकता है फिर ये फर्दर आप चाहते हो अगर नहीं भाई और भी पानी बचाना है जो पानी आपका थोड़ा बहुत उड़ रहा था ड्रिप सिस्टम से यहाँ पर ये पानी गया ज्यादा गर्मी है ह्यूमिडिटी बहुत कम है मैक्सिमम पंद्रह परसेंट है मिनिमम पांच परसेंट है ये पानी भी उड़ जाएगा इसको रोकना है फर्दर ड्रिप के बियॉन्ड तो आपने मल्चिंग कर दी मल्चिंग कर दी आपने अब आप एक्सेस और पांच दस परसेंट पानी बच जाएगा आपका बियॉन्ड ड्रिप जो ड्रिप ने सेविंग की वो की उसके बियॉन्ड भी और पानी बच जाएगा आपका कुछ परसेंट जो ना, है ना ठीक है ना देन मल्चिंग मशीन है मल्चिंग कर सकती है मशीन ने ये देखिए ड्रिप के ऊपर है ये भी ड्रिप के ऊपर है क्या होता था आईआरआई में जब हम फ्लड इरिगेशन करते थे सरफिस इरिगेशन आनियन के अंदर सीड क्रॉप है ये तो दो बीमारी आती हैं फ्लड इरिगेशन में क्योंकि ग्राउंड के ऊपर ह्यूमिडिटी का स्टेटस बढ़ जाता है जमीन की सतह के ऊपर एक तो स्टेमफिलियम ब्लाइट और एक पर्पल ब्लॉच दो बीमारियां आती हैं बड़ी भयंकर लेकिन इसी को जब प्याज को ड्रिप सिस्टम पर कर दिया रेस्ड बेड में दोनों तो गायब हो गई ऐसे ही में था क्या होता था जब क्रॉप सीड क्रॉप हार्वेस्टिंग की स्टेज पर आई तो उसमें सीवियर इंसिडेंस होता था पाउडरी मिल्ड्यू का फ्लड इरिगेशन स्टेटस ह्यूमिडिटी का बढ़ा देता है ग्राउंड पे लेकिन जैसे उसको ड्रिप पे किया पाउडरी मिल्ड्यू गायब हो गई एकदम से बिल्कुल एकदम से तो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे एडवांटेज होते हैं ठीक है ना अब ये लो प्रेशर ड्रिप सिस्टम है भाई नहीं मेरे तो इतना वो नहीं है एक भी घा में सब्जी उगानी है पानी बहुत कम है बिजली नहीं आती तो मिनिमम हेड हाइट डेढ़ मीटर होनी चाहिए डेढ़ मीटर के बाद आपका एक हजार लीटर की टंकी हजार स्क्वायर मीटर एरिया को कवर कर लेगी ठीक है अब देखिए ये 500 लीटर की टंकी है ठीक है तो 500 लीटर की टंकी 500 सौ स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करेगी दिख रहा क्या है देखो क्या क्या चीज है इसमें एक तो इसमें वाल लगे है ये लगा, ये लाल सा दिख रहा इसको घुमा दो बंद कर दो एक फिल्टर लगा है ये फिल्टर किस लिए लगा है कंटामिनेटेड पानी कोई भी इनर्ट मैटर हो कोई भी चीज हो वो ड्रिपर में में जाए जाए लेटरल जाए अंदर उसको रोकने के लिए इसको साफ करना डिस्क फिल्टर है कैसी क्वालिटी का पानी है आपका हफ्ते में दो बार पांच बार एक बार उसको साफ करना है खोलकर आपको डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ वाटर यू आर यूजिंग इन इविगेशन ठीक है पर डेढ़ मीटर की अगर हेड हाइट है टंकी की तो कितनी लेंथ होगी लेटरल की देखो तो पहले तो मैं बताना भूल गया आपको सॉरी मैं वापस चला जाता हूं उसी द सेम अगेन ये ये 16 एम mm का है ये पाइप इसकी मोटाई कितनी है डायमीटर कितना है सिक्सटीन प्रेशराइज ड्रिप में 16 से कम नहीं हो सकता और जैसे ही हम लो ड्रेप लो प्रेशर पर गए तो ये लेटरल हमारे बारह एमएम mm के हो गए ठीक है बारह एमएम mm के हो गए और अगर हेड हाइट जो पहले वाले में मीटर है, तो हमारी लेंथ रहेगी पंद्रह मीटर डेढ़ मीटर के हिसाब से डेढ़ मीटर हाइट है हमारी तो पंद्रह मीटर लेंथ होगी और अगर हम हाइट बढ़ा दें उसको दो कर दें तो बीस मीटर हमारी हो जाएगी, लेटरल की. हाइट बढ़ा दी हमने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया बट हजार लीटर की टंकी हजार स्क्वायर मीटर एरिया को कवर कर सकती है आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है इसमें क्या करना है जब भी बिजली आई पंद्रह मिनट आधा घंटा आपने टंकी भर दी और स्टॉक सोल्यूशन बना लिया किसी टैंक में किसी बाल्टी में या पचास लीटर का सौ लीटर का दो सौ लीटर का टैंक था आपके पास उसमें घोल लिए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जरूरत के हिसाब से उसमें डाल दिया आपने ठीक है ये काम हो गया आपका फिर अब बात आती नहीं ठीक है ठीक है अब देखिए आप ये रेंज बेड बना दी आप देखिए आप मिर्च आप देखिए कॉर्न क्रॉप ये हमने फिर जोधपुर में एक चीज और की वो ब्लैक कलर के थे सारे यहां पे व्हाइट कर दिए सारे क्योंकि व्हाइट क्योंकि क्या हुआ कि कई जगह जैसे मान लिया स्प्रिंकलर है उसके मेन पाइप है स्प्रिंकलर के उनमें पानी बच जाता है ना मई जून है बाहर का टेम्परेचर जोधपुर में अड़तालीस डिग्री है फलौदी में पचास डिग्री है तो वो पाइप का काला रंग के पाइप बने एच के वो तो और एब्जॉर्ब कर को पानी का टेम्परेचर चलेगा सत्तर डिग्री और गलती से किसान ने दोपहर दो तीन बजे के बाद स्प्रिंकलर चला दिया तो क्या होगा क्रॉप के ऊपर पानी जब गिरेगा क्रॉप बर्न हो जाएगी आपकी सेम थिंग आल्सो थिंग्लाइड टू ड्रिप ड्रिप सिस्टम इसमें भी पानी बचता है गर्म पानी जब रूट जोन में जाएगा तिल मिलाएगी पौधा ठीक है विल्टिंग शो करेगा तो उससे कम करने के लिए वाइट कलर का होने के बाद पंद्रह डिग्री का डिफरेंस आ गया वाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को ठीक है तो इसलिए ये नई टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ अगर भाई कलर चेंज कर दिया ऐसी कंडीशन जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा है वहां हम कंपोनेंट का कलर चेंज कर सकते हैं लेटर का कलर स्प्रिंकलर के आपके मेन पाइप्स हैं जो भी हों आप छतों पर पानी की टंकी जोधपुर में गेस्ट हाउस में रखी थी घरों पर भी रखी थी गर्मी में मई जून में सवेरे आप छह बजे उस टंकी के पानी से नींद आ सकते सत्तर डिग्री टेम्परेचर आपको रात को बाल्टी भर के रखनी पड़ेगी ताकि वो पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर आ जाए रात भर में डेट वॉज सिचुएशन मैंने जितनी बिल्डिंगे फिर बाद में बनवाई सबके ऊपर कलर चेंज करवा दिया टंकी व्हाइट कलर की टंकी रखो वहां गुजारा कैसे किया उस पर जूट बैग बोरी ढकवाई फिर ऊपर शेड नेट बंधवाया सारी टंकियों पर तो हार्स कंडीशन है जहां टेम्परेचर रेडिएशन ज्यादा होता है तो ये आपका है बेटा ये ड्रिप सिस्टम पूरा का पूरा अब यह स्प्रिंकलर है आपका लेटिव में पानी छिड़क सकते हैं कोई बात नहीं सलाद में कुछ क्रॉप में छिड़क सकते हैं कैबेज में भी छिड़क सकते हैं कॉलीफ्लावर में कुछ हद तक जब तक कर्ड फॉर्मेशन नहीं होता जब तक छिड़क सकते हैं। बट मेनली हम वेजिटेबल्स में प्रीफर करते हैं ड्रिप सिस्टम को चाहे ऑनलाइन हो चाहे इनलाइन हो और प्रेसराइज की बजाय छोटा किसान है तो लो प्रेशर ड्रिप सिस्टम को यूज कर सकता है ठीक है हो गया आई थिंक सो ये हो गया तो अब इरिगेशन के सिस्टम्स हो गए कंप्लीट सरफेस फॉरो कोई अलग अलग हो गए सारे फिर देन वी मूव टू माइक्रो इगेशन माइक्रो में स्प्रिंकलर ड्रिप सिस्टम ड्रिप में भी दो हो गए इनलाइन ऑनलाइन प्रेशर ड्रिप लो सब बदल ना तो ये पूरे हो गए अब सारे के सारे आपके नाउ यू कैन आस क्वेश्चन साहब एक बार बाहर वाले बच्चों से भी पूछें ये बाहर हैं बच्चे ये पूछे इनसे सवाल पूछेंगे इनकी समझ में आया कि नहीं आया कुछ इनको सुन पाए कि नहीं सुन पाए ये प्रॉपरली आवाज गई होगी वहां ओके यस स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कैंप दे कैन आस्क क्वेश्चन आई एम ऑर्डेबल आर्ट सेंटर से स्टूडेंट्स से अगर कुछ पूछना चाहे फ्रॉम फतेहपुर फतेहपुर से कुम्हेर से नौगांव से कहीं भी जहां भी बच्चे जुड़े हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या वो सुन हमें देख पाए क्या प्रेजेंटेशन देख पाए हो भरतपुर से सर बताएं विजिबल और ऑडिबल था प्रेजेंटेशन डॉक्टर उदय भान सिंह सर मैं भी खुद भी बेनिफिट हुआ मैं काफी दिनों से इस सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, लेकिन नर्सरी में जो आपने कॉन्सेप्ट बताए हैं और जिस सरल भाषा में बताए तरीके से बताए सर वो निश्चित बहुत अच्छे हुए हैं और हमारे बच्चे तो बेनिफिट आगे मैं पढ़ाऊंगा मैंने भी सारा सारा रिकॉर्ड किया है

<laughs> दूसरे टीचर हो क्या वो सुन पाए कि नहीं सुन पाए <laughs> <laughs> कौन है टीचर ढाका साहब बैठे या कोई और है ऑडिबल सर इट वाज ऑडिबल ओके इट वाज ऑडिबल एंड बच्चों को समझ में आया कुछ स्लाइड्स विजेबल थी और बच्चे सुन पाए पूरे अच्छे तरीके से स्पेसिफिक क्वेश्चन कोई बच्चा मैं अगली बार से बच्चों के नाम लिख के लाया करूंगा जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे कैंपस में जाऊंगा उनके नाम नोट करके लाऊंगा यस yes. कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाह रहा हो बेटा इस इस दो टॉपिक्स पे आप पूछो बेटा यहां से यहां से कोई पूछ सकते हैं यस हाँ हर ड्रिपर इक्वल डिस्चार्ज करेगा 2.5 लीटर का तो 2.5 करेगा प्रेशर कितना केजी का प्रेशर है यस उस पाइप में सिस्टम में जो आप परचेज कर रहे हो उसमें ये डिफाइन होता कितने केजी का प्रेशर आपको बनाना है उसमें देन दिस सिस्टम विल वर्क यस यस केजी प्रेशर की वजह से और ड्रिप जो ड्रिपर है अंदर वो ये है कि मान लिया आपने सिस्टम लिया ढाई लीटर डिस्चार्ज कर लिया तो करेगा उसके लिए प्रेशर अलग चाहिएगा दो के के लिए प्रेशर अलग चाहिएगा नहीं सिस्टम लेने के बाद आप नहीं कर सकते सिस्टम वाट एवर यू हैचेज वंस जैसे ड्रिपर टू ड्रिपर डिस्टेंस भी दूर होता है जैसे प्याज लगाया था दिखा था ना आपको प्याज में एक ड्रिपर से दूसरा ड्रिपर जो 20 मिनट 20 सेंटीमीटर पे था लेकिन वही ड्रिपर टमाटर में पचास सेंटीमीटर हो सकता है बेल वाली सब्जियां हैं मान लिया गलती से ऐसा हुआ आपने ड्रिपर सिस्टम तो खरीद लिया पचास से पचास सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं और आपको पंपकिन लगाना है एक मीटर की दूरी पर तो आप नया सिस्टम थोड़ी खरीदोगे इतने पैसे कहां से आएंगे तो आप क्या करेंगे एक बीच में छोड़कर अगले पर लगा देंगे ट्रांसप्लांट कर देंगे अब इतना पानी तो वेस्ट जाने दो कम से कम इतना बचा रहे हो तो, तो वो कर सकते हैं ठीक है ना इतनी कॉस्ट वहन नहीं कर सकते ठीक है पर बाकी the प्रेसर ऑफ दिस्टम डिफाइंस दिस्चार्ज ओके हाँ डॉक्टर साहब वहां से कोई बच्चा पूछना चाहता हो बच्ची ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा देखिए हम तो सोच नहीं सकते थे बच्ची के दिमाग में ऐसा सवाल आएगा <laughs> कई जगह तीस सेंटीमीटर पर अगर है और हमें साठ सेंटीमीटर पर पचास पे पौधा लगाना है तो हम ये कर सकते हैं उसको साठ पे लगा दे एक छोड़ के ये तो सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि तो हर क्रॉप के लिए आप नए लेटर थोड़े खरीद लेंगे कहां से आएंगे इतने पैसे ठीक है ना इतना तो बीयर करना पड़ता है यस yes. uh, क्या हुआ डॉक्टर साहब उसका फतेहपुर नो no. uh, नौगांव नवगांव बच्चे हैं यस व्हाट अबाउट नौगांव मैडम है मैडम बच्चे हैं बच्चों को है? समझ में आया कि नहीं विजिबल था कि नहीं था ऑडिबल था मैं नहीं था क्या रहा कैसा रहा ताओ? ताओ अच्छा तो एक बात और मुझे बताओ जब मैं ये यहाँ लिख रहा था इस पर व्हाइट बोर्ड मार्कर से इससे तो ये भी दिखता है क्या उनको ओके तो okay. ये ये बोर्ण दे, दे कांट सी दिस ओके ओके बोर्ड पर ठीक है बट ये तो स्लाइड तो सारी देख पाएंगे हैं और स्लाइड मोड में ओके ठीक 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 है दैट्स गुड ये तो आप यार रोज क्लास करा दो यहां से जेब में फ्री हूं साथ. नुगा, से पूछे यस थो यस yes, थो, yes. थोड़ा आगे आगे पूछो सिस्टम के पास बच्चा बेटा आगे आके पूछिए आप सिस्टम के पास हम्म इट सीम्स दैट दैट इज सम प्रॉब्लम कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है और कोई सेंटर इसके अलावा कहां कहां कनेक्ट हो पाए कोटपुतली कनेक्ट हुए हाँ दिस इज फतेहपुर दिस इज नौगांव भरतपुर लालसोट लालसोट में बच्चों की क्या है स्थिति बेटा बताए लालसोट में बच्चों को प्रेजेंटेशन समझ में आया कुछ दिखा उनको अच्छा पीतमपुरी अच्छा लैपटॉप से कनेक्ट करा के था तो कितने वे टोटल कोटपुतली नहीं था इसमें किशन बटवास कोटपुतली जलाई ओके 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 चलिए ठीक है अब वे... इनका सिस्टम नहीं तो बट क्या ये ये क्या पक्का पता कि यहाँ से हमारा सिस्टम काम कर रहा था पूरा अच्छा ओके ओके, ओके गुड चलिए ठीक है देन ऑल दी स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ न कुछ तो समझ में आया ही होगा इतना भी यहाँ वाले नहीं वहां वाले <laughs> यहाँ तो पूरा ही समझ में आ गया ठीक है ओके थैंक यू कोट पुतली से कोई बच्चा पूछना चाह रहा हो यस yes. कोटपुतली से डॉक्टर साहब कोई बच्चा डीन साहब एनी स्टूडेंट इफ एनी क्वेश्चन इज देयर रिलेटेड टू टू टॉपिक्स यस चलो हाँ बेटा बताओ <laughs> <laughs> कोई बात नहीं <laughs> नहीं कोई नहीं कोई नो ठीक no <laughs> है बैठो तुम तो, कोई बात नहीं बट बेटा ओपन होने चाहिए एक बच्ची ने जब वहां कोटपुत्री में फाउंडेशन स्टोन हुआ एंकरिंग मंत्री के सामने इतनी भीड़ के सामने एक बच्ची ने एंकरिंग की थी फिर मैंने गया ऑफिस जब उनके कॉलेज में गए जो बुके मुझे दिया था मैं बच्ची को आया उसको अगली बार जाऊंगा पहन दूंगा अच्छा बहुत बढ़िया हजार रुपए से कम से कम नीचे का पहन नहीं दूंगा उस बच्चे <laughs> और आज उसमें जाऊंगा बच्चियों के नाम टॉपर कौन है और उन्हीं से पूछेंगे फिर आ, क्या सवाल है कोई बात नहीं चलिए बैठो कोई बात नहीं लग, अलग, आपने इतना अच्छा लेक्चर हमें दिया की हम तो जो बिल्कुल एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट ना हो गए भी हमने बहुत सारी चीजें ली तो ऑब्वियसली जो बाकी के हमारे स्टूडेंट्स है उन सभी के लिए आपका ये जो नॉलेज लेक्चर है बहुत ही नॉलेजेबल

और भी टॉपिक बता सकते हैं बच्चे और भी टॉपिक बच्चे बता सकते हैं और भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉट ओनली लिमिटेड टू हॉर्टिकल्चर और भी किसी सब्जेक्ट में बच्चों को यह लगता है ये टॉपिक कोई भी है आप बताइए हॉर्टिकल्चर का तो फ्री है यू आर फ्री फॉर हॉर्टिकल्चर ठीक है फॉरेस्ट्री में वो टॉपिक मुझे आप लिख कर दे दीजिए ठीक है मैं तैयार कर लूंगा फॉरेस्ट्री पे क्या आपको चाहिए ठीक है वो कर लेंगे कोई बात नहीं आप बताइए फॉरेस्ट्री के टीचर नहीं है हमारे पास यहाँ है हमारे कैंपस में क्या सब्जेक्ट उनका फतेहपुर में है एक है हाँ बेटा बेटा एक मिनट प्लीज प्लीज बस बस तो बेटा वो टॉपिक आप लिख के दे दो फॉरेस्ट्री में कौन-कौन सी चीज कवर नहीं हुई आई विल कम विद प्रिपरेशन एंड आई विल मेक ए प्रेजेंटेशन ठीक है ठीक है हाँ, कोई दिक्कत नहीं है और हॉर्टिकल्चर में इसके अलावा इस कोर्स में कोई भी टॉपिक हो इसके अलावा दो तो मैंने खुद आगे चल के क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था जल्दीबाजी में कल डॉक्टर साहब का शाम के टाइम मैसेज आया तो मैं इनका व्हाट्सएप पर देख रहा था मेरे तो गड़बड़ हो गया तो फिर मैंने इनको लिखा कि दो टॉपिक कल डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि अब मेरे पास कोई वो भी नहीं है वो पीपीटी बनाए बैठे कुछ करे मैं बैठा सवेरे आप लोगों के लिए एक डेढ़ घंटा मेरे घर पे कंप्यूटर पे पर मेरे से वो स्लाइड इधर से उधर हुई ही नहीं कुछ भी जो है ना मैं चाह रहा था मुझे क्योंकि आई एम टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड मुझे ज्यादा नहीं आता आपको बता सकता हूं कहा नहीं आता, जो आता। बस चला पढ़ दो लाइन किसी को लिखनी है, तो लिख दी नहीं तो नहीं ठीक है टाइप को छोटा मोटा टाइप करना तो कर सकता हूं तो आजकल ये सब बच्चे हमारे एमएससी पीएचडी के बच्चे मेरे पास आई थिंक हजारों प्रेजेंटेशन पड़े होंगे मोर देन थाउजेंड प्रेजेंटेशन कितने तो हॉर्टिकल्चर पे सीड पे नर्सरी पे ड्रिप इरीगेशन फर्टिगेशन अलग अलग चीजों पर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन पे तो होंगे मेरे पास पाँच सौ होंगे कम से कम कितने किए होंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पर फिर मैं सवेरे बैठा तो मेरे से कुछ स्लाइड्स ट्रांसफर नहीं हो पाए इधर इस नर्सरी वाले में भी और ड्रिप में भी तो फिर भी मैं कहा चलिए इतना तो काफी रहेगा आप लोगों के लेवल पर सफिशेंट करीब थी तीस पैंतीस चालीस स्लाइड थी It will make the... <laughs> Your... <laughs> अप्लाइड और प्रैक्टिकल होना चाहिए प्रैक्टिकल क्योंकि उसी से समझ पाएंगे आप या फिर आप थोड़ा बहुत जो नई बच्चों को समझा सकते हो बोर्ड पर समझा सकते हो अब जैसे ये है भाई क्या पीक है या प्री इमरजेंस क्या है पोस्ट इमरजेंसी क्या है तो ये बोर्ड पे ही समझा जा सकता है नहीं तो वैसे समझ में नहीं आएगा बच्चों के ठीक है ओके वो पेंस। अच्छा अच्छा दैट्स वेरी गुड सिस्टम मैंने कभी बहुत ज्यादा हम हम तो सामने बैठते थे मीटिंग है वही किया प्रेजेंटेशन कर दिया गए आप आपको क्या लेना देना कैसा सिस्टम है क्या <laughs> तो पर इट इज वेरी गुड सिस्टम अच्छा हम्म हम्म रहा ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा यही ये तो, ये तो टेक्नोलॉजी है <laughs> अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छा एक्सीलेंट सिस्टम ये तो पूरा बच्चे डिसाइड करें क्या है इनको आगे से और फिर बता दें हमें जैसे फॉरेस्टी की बात की बेटा स्पेसिफिक टॉपिक बताना पड़ेगा यू डिसाइड व्हाट टॉपिक यू वांट ठीक है मेरे को बताएं आई विल प्रिपेयर इट एंड आई विल टीच यू ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है हॉर्टिकल्चर में इस कोर्स में और कोई बच गया मैं तो खुद छाट के लाया हूं मुझे तो जो इजी लगा मैं ले आया पर इसके अलावा भी तो ना कई काफी सारे कंटेंट्स हैं वो बता दो मुझे कौन से चाहिए तुम्हें ठीक है ना यस बेटा लास्ट यस बोलो बेटा वो रेस्ट है ओके लिख के दो मुझे एक पेपर पे राइट डाउन एंड गिव मी आई विल मेक इट ठीक है विलोडाइवर्सिटी के ऊपर करना हो आई कैन मेक ए प्रेजेंटेशन वाटर मैनेजमेंट के ऊपर करना हो आई कैन मे के प्रेजेंटेशन ठीक है आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज में कोई आपको एक कोर्स है ना आपका उसमें हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोई बात हो कुछ हो तो आई कैन मे के प्रेजेंटेशन ठीक है तो और बता देना आप जो जो हो कोई बात नहीं ठीक है क्योंकि अभी देखो इनको भी मैडम इनको भी जाना है और इन लोगों को भी नहीं 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 हो गया हो गया मैडम हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया वो तो नहीं प्लीज हो गया हो गया बहुत हो गया बट मैं लेट हो गया करीब वो प्रोग्राम हमें नहीं पता था इतना ही खींचेंगे उन्होंने वो 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 दो दो सवा और फिर मार्केट में वो कोई था वो, उसकी इफको की ओपनिंग थी उसमें जाना पड़ गया नहीं तो मैं चाह रहा था कि दो घंटे तो कम से कम डिस्कशन हो ठीक है बेटा मैं और बता दूंगा डॉक्टर साहब आपको बताऊंगा मैं कि और टॉपिक हॉर्टिकल्चर में इस कोर्स में और स्पेसिफिक ये बच्ची लिख के लाई है फॉरेस्ट के अंदर बेटा हाँ हाँ Okay. Okay, chica. Yes. Yes.